हेलो प्यारे बच्चों बच्चों, इस वीडियो में हम आपकी क्लास 12 इंग्लिश की बुक फ्लेमिंगो उसका सिक्स चैप्टर पोइट्स एंड पैनकेक्स ये पढ़ेंगे। ये एक फिल्म स्टूडियो के बारे में लिखा गया है इसमें, है ना। और बहुत ही हल्की फुल्की जो है ना एक कहानी है इसमें। और ये 1940 है ना, यानी अब 2021 चल रहा है ना, तो 21 वर्ष तो ये हो गए और 60 वर्ष ही वो हो गए, यानी करीब 80 वर्ष पुरानी ये एक फिल्म स्टूडियो की कहानी है। और इसके राइटर हैं अशोका मित्रन, है ना, 1931। एक तमिल राइटर, ये एक तमिल राइटर थे, रिकाउंट्स याद करते हैं हिज ईयर्स एट जेमिनी स्टूडियोज, है ना। तो जो फिल्म स्टूडियो है उसका नाम है जेमिनी स्टूडियो, है ना, उसमें ये काम करते हैं। और उसमें काम करने के दौरान जो उनके अनुभव थे उनको वो याद करते हुए अपनी एक पुस्तक में लिखते हैं उन्हें, इन हिज बुक माई ईयर्स विद बॉस। और उस पुस्तक का क्या नाम है, माई ईयर्स विद बॉस, विच टॉक्स ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ मूवीज। जो ये जो बुक है ये इसमें लिखा गया है या ये बुक बातें करती है, बताती है प्रभाव, इन्फ्लुएंस यानी प्रभाव, मूवीज का प्रभाव ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इन इंडिया, है ना। तो हमारे भारत में जो फिल्में बनती हैं उनका हमारे जो सामान्य जनजीवन है उस पर बहुत प्रभाव पड़ता है। अब जैसे पुराने जमाने की जो फिल्में हैं वो कितनी साफ सुथरी हुआ करती थी, है ना, तो लोगों की सोच भी कैसी होती थी, साफ सुथरी होती थी। आजकल फिल्में जो है ना उतनी अच्छी नहीं बन रही जितनी अच्छी बननी चाहिए। कुछ फिल्में यदा कदा एक दो फिल्में अच्छी बनती हैं, है ना, जैसे तारे जमीन पर थी, है ना, तो उसको लोगों ने क्या किया था, बहुत अप्रिशिएट किया था, है ना। बाकी अधिकांश फिल्में जो हैं उनमें कोई उनका उद्देश्य नहीं होता, ठीक है ना। तो हालांकि लोग कहते ये हैं कि भाई इसका तो कोई उद्देश्य थोड़ी होता है, तो मनोरंजन के लिए होती है, लेकिन हमारी भारतीय परंपरा में मनोरंजन भी एक स्वस्थ मनोरंजन हम हमारे पूर्वजों द्वारा दिया जाता रहा है ना। तो उसी परंपरा को हमें आगे निर्वाह करना चाहिए, यानी मनोरंजन भी कराएं हम जनता का, प्लस साथ के साथ उनको कुछ सार्थक संदेश भी दें, ठीक है। द जेमिनी स्टूडियोज लोकेटेड इन चेन्नई, है ना। जो जेमिनी स्टूडियो था ये कहाँ पे स्थित था, चेन्नई में। और इसका पुराना नाम क्या है चेन्नई का, मद्रास, ना, मेड्रॉस। वाज सेट अप इन 1940, ये 1940 में स्थापित किया गया था जेमिनी स्टूडियो। इट वाज वन ऑफ मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिल्म प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ इंडिया, यानी भारत के जो फिल्म बनाने वाले जो संगठन थे, है ना, फिल्म बनाने वाली जो इंडस्ट्री थी उनमें से सबसे प्रभावशाली जो होती थी उनमें से ये एक था। इन द अर्ली डेज ऑफ इंडियन फिल्म मेकिंग, है ना, और जब भारत में फिल्में बनने की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी, उस जमाने में भी ये एक बहुत अच्छे स्थान पर था जेमिनी स्टूडियो। इट्स फाउंडर वाज एसएस वासन, इसके जो निर्माता थे, है ना, जो फाउंडर थे जिन्होंने ये कंपनी बनाई उनका नाम था एसएस वासन, ठीक है ना। तो ये जो बॉस कह रहे हैं माई ईयर्स विद बॉस, तो ये बॉस वही हैं अशोका मित्रन जो है, बॉस किनको बोल रहे हैं, एसएस वासन को बोल रहे हैं। अब खुद के बारे में बता रहे हैं, द ड्यूटी ऑफ अशोका मित्रन इन जेमिनी स्टूडियोज वाज टू कट आउट न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स, है ना। जेमिनी स्टूडियो में अशोका मित्रन का क्या काम था कि न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स काटना ऑन ए वाइड वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स, विभिन्न विषयों पर। अब अखबारों के अंदर क्या होता है, विभिन्न प्रकार के विषयों पर विभिन्न प्रकार के लेख आते हैं, तो उन्हीं में से ही क्या है जो क्रिएटिव राइटर्स होते हैं उन्हीं में से फिर वो कहानियां गूंथ लेते हैं, बना लेते हैं, है ना। तो उनका यही काम था कि न्यूज़पेपर की जो जो जिन जिन चीजों पर फिल्म बन सकती हैं, है ना, जो जो कहानियां उनको यूज कर सकते हैं फिल्म बनाने के लिए, तो उनकी क्लिपिंग को काटना एंड स्टोर देम इन फाइल्स, और उनको किस में लगा लेना, फाइल्स के अंदर लगा लेना, ये काम था उनका। मैनी ऑफ दीज हैड टू बी रिटन आउट बाई हैंड, है ना। अब उनको बहुत सारी जो कहानियां थी, अब न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स में से कुछ थोड़ा सा इसमें से ले लिया, कुछ थोड़ा सा इसमें से ले लिया, अब इनको सबको मिक्स करके कहानियां जो बनाने का काम था, लिखने का काम था, वो सब कैसे होता था, हाथ से होता था उस जमाने में, है ना, क्योंकि कंप्यूटर वगैरह टाइपिंग के लिए नहीं थे। ऑल्दो ही परफॉर्म्ड एन इनसिग्निफिकेंट फंक्शन, ही वॉज द मोस्ट वेल इन्फॉर्म्ड ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द जेमिनी फैमिली, है ना। अब ये अशोका मित्रन कह रहे हैं कि यद्यपि वह खुद इनसिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट का मतलब होता है कोई खास महत्व का ना हो,
तो वो ऐसा काम करते थे जो देखने में ऐसा लगता था कि उसका कोई खास महत्व नहीं है ना, लेकिन ही वॉज द मोस्ट वेल इन्फॉर्म्ड ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द जेमिनी फैमिली। लेकिन अशोकामित्रन जेमिनी परिवार, जो जेमिनी स्टूडियो था उसका जो परिवार था उसमें करीब पता है आपको 600 के करीब कर्मचारी थे, बहुत बड़ी फिल्म यूनिट थी वो, तो उनमें सबसे ज्यादा वेल इन्फॉर्म्ड थे ये अशोकामित्रन। वेल इन्फॉर्म्ड का मतलब क्या होता है, जिसको सबसे ज्यादा विषयों की जानकारी हो, सबसे ज्यादा चीजों की जानकारी हो। क्यों? क्योंकि इनका काम ही यही था दिन भर, है ना, कि विभिन्न प्रकार के विषयों पर लेख पढ़ना और जो अच्छे लेख हो उनकी क्लिपिंग्स को काट के फाइलों में लगाना और उनके आधार पर क्या बनाना, स्टोरीज बनाना, ठीक है ना। द फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट, ये जो लिखी ये जो कहानी है ना, ये एक अंश है फ्रॉम हिज बुक माई ईयर्स विद बॉस, जो उनकी पुस्तक है माई ईयर्स विद बॉस, उस कमरे से एक अंश लिया गया है, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं। पैनकेक वॉज द ब्रांड नेम ऑफ मेकअप मटेरियल, है ना। अब देखो फिल्म जो निर्मित बनती हैं तो जो एक्टर्स होते हैं, एक्ट्रेसेस होती हैं, जितने भी कलाकार होते हैं, है ना, चाहे वो लीड रोल में हो चाहे वो सेकेंडरी रोल्स में हो, उन सबको मेकअप करना पड़ता है ना। जैसे तुम लोग भी तो कभी कभी जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी में तुम लोग फंक्शन वो करते हो, कुछ इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हो, है ना, तो तुम लोग भी तो अपने मुंह पे उस तरह की कुछ वैसा लगाते हो, सफ़ेद सफ़ेद सा, जिससे कि अट्रैक्टिव दिखें, है ना। तो बस वही है मेकअप मटेरियल, है ना। और फिल्मों में तो क्या आता है, बहुत ज़्यादा मेकअप मटेरियल लगाना पड़ता है, ठीक है ना। तो जो मेकअप मटेरियल था, है ना, सौंदर्य प्रसाधन का जो सामान होता था उसका ब्रांड नेम पैनकेक था। पैनकेक नाम से वो आता था मटेरियल जो था, किसका, मेकअप का। दैट जेमिनी स्टूडियोज बॉट, जिसको कि जेमिनी स्टूडियो खरीदता था, एंड ट्रकलोड्स, ट्रकलोड्स का मतलब है ट्रक भर भर के, यानी खूब सारी मात्रा में, है ना। पैनकेक जो था, मेकअप मटेरियल जो था, मेकअप का जो सामान था, जिसका ब्रांड नेम क्या था, पैनकेक। ब्रांड नेम का मतलब जैसे कोई भी साबुन है, है ना, जैसे साबुन है ओसवाल, तो ओसवाल क्या हो गया, उसका ब्रांड नेम हो गया, है ना, ठीक है। टाटा चाय, टाटा क्या हो गया, उसका ब्रांड नेम हो गया, ठीक है ना। तो वैसे ही जो मेकअप मटेरियल था उसका ब्रांड नेम क्या था, पैनकेक। तो जेमिनी स्टूडियो, क्योंकि अपने कलाकारों पे खूब सारा उनको क्या लगाना पड़ता था, मेकअप लगाना पड़ता था, है ना, तो ट्रक भर भर के वो पैनकेक मंगाते थे। अब वो पैनकेक सिर्फ मुंह पे लगाने का ही नहीं होता, अब उनको क्या साज सजावट भी तो करनी पड़ती है, सेट बनाना पड़ता है ना, जैसे महल बना लिया, है ना, इस तरह के बालों के जूड़े बना लिए, है ना, अलग अलग प्रकार की ड्रेसेस बना ली, तो ये सारी सारे मेकअप में आता है। मेकअप का मतलब सिर्फ तुम ये मत समझना कि बस खाली मुंह पे लगाने वाला है वही मेकअप होता है, है ना, पूरा ड्रेसअप जो होता है वो सब कुछ किस में आता है, मेकअप मटेरियल में आता है। ग्रेटा गार्बो मस्ट हैव यूज्ड इट। देखो अब ये कुछ एक्ट्रेसेस के नाम लिखे हुए हैं, ग्रेटा गार्बो, है ना, ये स्वीडन की एक्ट्रेस थी, इन्होंने भी इसको काम में लिया था पैनकेक को। मिस गौहर मस्ट हैव यूज्ड इट, मिस गौहर एक दूसरी एक्ट्रेस थी, इन्होंने भी इसे काम में लिया था। वैजयंती माला, है ना, वैजयंती माला तो आप पुरानी फिल्मों की हीरोइन है ये, है ना, मस्ट हैव ऑल्सो यूज्ड इट, इन्होंने भी इसे यूज लिया था, किसको, पैनकेक को। बट रति अग्निहोत्री मे नॉट हैव इवन हर्ड ऑफ इट, लेकिन शायद रति अग्निहोत्री में इसका, रति अग्निहोत्री ये क्या नए जमाने की एक्ट्रेस है, तो इन्होंने शायद इस पैनकेक ब्रांड का नाम नहीं सुना हो सकता है बाद में ये ब्रांड जो है वो क्या हो गया हो, बंद हो गया हो आना, या कोई दूसरे नाम से आने लग गया हो। द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियोज वाज इन द अपस्टेयर्स ऑफ ए बिल्डिंग, जो ये मेकअप डिपार्टमेंट था जेमिनी स्टूडियो का, ये एक भवन के ऊपरी हिस्से में था, फर्स्ट फ्लोर पे था, अपस्टेयर, सीढ़ियां चढ़ के जाना होता था, इसका मतलब आगे ऊपर की फ्लोर पे था। दैट वाज बिलीव्ड, ऐसा माना जाता था कि वो जो बिल्डिंग थी टू हैव बीन रॉबर्ट क्लाइव्स स्टेबल्स, कि उस बिल्डिंग में रॉबर्ट जो क्लाइव थे ये अंग्रेज कमांडर थे, जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी ना, जब शुरुआत में उसने अपने पैर जमाए थे, तो रॉबर्ट क्लाइव उनके क्या थे, सेना कमांडर थे, है ना, तो ये उसका घुड़साल थी, उसकी उसके घोड़े बनते थे यहाँ पर, जिसमें कि अभी क्या है, जेमिनी स्टूडियो का ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे ऑफिस है। ए डजन अदर बिल्डिंग्स, ऐसा माना जाता है कि दर्जनों अन्य जो इमारत है वो इन द सिटी, शहर के अंदर जो अन्य दर्जनों इमारत है, आर सेड टू हैव बीन हिज रेजिडेंस, वो भी उसकी क्या थी, रेजिडेंस थी, अर्थात
उसका बहुत बड़ा एरिया उसने रेजिडेंस के लिए घेर रखा था। अब खुद का भी हो सकता है, उसके अन्य नीचे के अधिकारी हो सकते हैं, सिपाही हो सकते हैं, ठीक है ना। फॉर हिज ब्रीफ लाइफ चेन्नई में वो जो रॉबर्ट क्लाइव है वो कुछ अल्पकाल के लिए रहे ही, अल्पकाल के लिए ही रहे वहां पे, ब्रीफ लाइफ थी उनकी वहां पे चेन्नई के अंदर। एंड इवन ब्रीफर स्टे इन मेड्रास, है ना। अच्छा हाँ देखो, यानी भारत में रॉबर्ट क्लाइव काफी कम समय के लिए रहे, और उससे भी कम समय किस में रहे, वो मद्रास के अंदर रहे, चेन्नई के अंदर रहे, है ना। तो रॉबर्ट क्लाइव सीम्स टू हैव डन ए लॉट ऑफ मूविंग्स, है ना। तो इतने छोटे से काल में भी ऐसा प्रतीत होता है कि रॉबर्ट क्लाइव खूब घूमते थे, है ना। उन्होंने बहुत सारे अभियानों में हिस्सा लिया था, बहुत सारी लड़ाइयां उन्होंने लड़ी थी, क्योंकि आपको आपने इतिहास पढ़ा है बेटा, शुरू शुरू में अंग्रेजी नहीं आए थे हमारे देश में, फ्रांसीसी भी आए थे, है ना, डच जो है ना, हॉलैंड के लोग वो भी आए थे, सबने अपनी अलग अलग क्या बना ली थी, बस्तियां बना ली थी, है ना, भारत के अंदर। लेकिन इन अंग्रेजों ने जो इंग्लिश थे, है ना, ब्रिटेन के जो रहने वाले थे, इन्होंने उन सबको लड़ाई में हरा के भगा दिया। फिर लास्ट में कौन रह गए भारत में, सिर्फ अंग्रेज रह गए, इंग्लिश रह गए, ठीक है ना। तो ये बहुत सारी मूविंग करता था रॉबर्ट क्लाइव जो है, मूविंग का मतलब अभियानों पर जाता था, लड़ाइयों में लड़ने जाता था। बिसाइड्स फाइटिंग सम इम्पॉसिबल बैटल्स और इन रिमोट कॉर्नर्स ऑफ इंडिया, है ना, इसने भारत के दूर दराज के इलाकों में बड़े इम्पॉसिबल बैटल्स जीते। ऐसा लगता था कि वो जीत नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी रॉबर्ट क्लाइव ने वो जीते। तो इसके अलावा उसने क्या काम किया, एंड मैरियंग ए मेडन इन सेंट मैरी चर्च इन फोर्ट सेंट जॉर्ज इन मेड्रास, है ना। तो यहीं पे ही, इसका मतलब वो नवयुवक था, जो ये रॉबर्ट क्लाइव क्या था उस समय, नवयुवक था। तो इतनी सारी विजयों के साथ के अलावा उसने जो मद्रास के अंदर, चेन्नई के अंदर जो फोर्ट सेंट जॉर्ज है ना, एक किला है जिसका नाम है सेंट जॉर्ज, है ना, उसके अंदर एक चर्च है जिसका नाम है सेंट मैरी चर्च, उसमें उसने एक मेडन से शादी की थी। मेडन का मतलब एक नव युवती के साथ, है ना, उसने शादी की थी। द मेकअप रूम हैड द लुक ऑफ ए हेयर कटिंग सैलून। अब देखो, ये तुमने ऐसा खूब देखा होगा, है ना, कि जो मेकअप रूम था उसका लुक ऐसा था जैसे कोई हेयर कटिंग सैलून हो, है ना, जहां बाल कटवाते ना, वो वाला ऐसा था। उसमें देखा होगा आपने आगे पीछे तरह अलग बड़े बड़े क्या लगे रहते हैं, शीशे लगे रहते हैं, जिससे चारों तरफ से दिख जाए आदमी को भाई बालों की कटिंग सही हुई है या नहीं हुई है। तो मेकअप रूम का जो लुक था वो कुछ हर हेयर कटिंग सैलून जैसा था। और उसमें क्या थी उस मेकअप रूम के अंदर, विद लाइट्स एट ऑल एंगल्स, हर एंगल पर लाइट लगी हुई थी, अराउंड हाफ ए डजन लार्ज मिरर्स, और लगभग आधा दर्जन से भी ज्यादा क्या थे, है ना, आधा दर्जन लगभग क्या थे उसमें, बड़े बड़े शीशे थे, दर्पण थे, ठीक है ना, लाइटें लगी हुई थी और खूब सारे दर्पण थे मेकअप रूम में। दे वर ऑल इनकैंडेसेंट लाइट्स, है ना। इनकैंडेसेंट लाइट का मतलब होता है, एक तो आजकल लाइट आ रही है जैसे एलईडी लाइट है, ये तो ठंडी रोशनी देती है, ये गर्म नहीं होता, है ना। लेकिन पहले जमाने में क्या था, वो स्प्रिंग वाले बल्ब आते थे, आपने कभी देखा हो तो, स्प्रिंग होती थी उसमें, वो स्प्रिंग चमकती थी और वो बल्ब कैसा होता था, बहुत गर्म हो जाता था। ऐसे कभी आपने हेलोजन देखी हो, हेलोजन जो ट्यूब होती है वो भी क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है ना। तो उस मेकअप रूम में ये लगे हुए थे इनकैंडेसेंट, इनकैंडेसेंट बल्ब या हेलोजन लाइट लगी रहती थी, उनकी कितनी ज़्यादा गर्मी होती है, भयंकर वाली गर्मी हो जाती है। और वैसे ही चेन्नई का जो एटमोसफेयर है वो तो वैसे ही क्या है, अपने आप में गर्म है, ठीक है ना। सो यू कैन इमेजिन, अतः आप कल्पना कर सकते हो द फियरी मिजरी, है ना। फियरी का मतलब होता है जैसे कि आग जल रही हो, फायर, है ना। फियरी मिजरी, मिजरी यानी परेशानी, दुख ऑफ दोज, उन लोगों की, सब्जेक्टेड टू मेकअप, जिनको की क्या लगाया जाता था, मेकअप लगाया जाता था, अर्थात जिनको एक्टिंग करनी होती थी। तो वो उन सब लोगों को उस मेकअप रूम में क्या किया जाता, तैयार किया जाता था। और उस मेकअप रूम में बड़े बड़े मिरर्स लगे हुए थे और खूब सारी मात्रा में उसमें इनकैंडेसेंट लैंप्स लगे हुए थे, जिनकी वजह से उस कमरे का माहौल, उस मेकअप रूम का माहौल कैसा होता था, भयंकर गर्म होता था, ऐसा लगता था जलने वाला है क्या। द मेकअप डिपार्टमेंट वॉज फर्स्ट हेडेड बाई ए बेंगोली, है ना। अब इसमें बता रहे हैं कि जो मेकअप डिपार्टमेंट था उसका जो हेड था, सबसे पहले तो एक बेंगोली था, बेंगोली का मतलब पश्चिम बंगाल का रहने वाला था वो, हु बिकेम टू बिग फॉर ए स्टूडियो एंड लेफ्ट, है ना। तो वो थोड़ा सा बड़ा हो गया स्टूडियो के लिए और छोड़ के चला गया। अब देखो इसका अर्थ क्या है, बड़ा हो गया स्टूडियो के लिए, है ना। अब या तो ये ऐसे समझ लो जो प्राइवेट जॉब करते हैं, तो जब कुछ लोग बहुत ज़्यादा हुनर प्राप्त कर लेते हैं तो फिर वो
उनको क्या दूसरी जगह से ऑफर आने लग जाते हैं, है ना, तो फिर वो एक जगह से नौकरी छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं। या ऐसा भी हो सकता है उनको खुद को लगता हो कि भाई मेरी जो कैपेबिलिटीज हैं उनका इस जगह पे समुचित उपयोग नहीं हो पा रहा है, मुझे अब यहाँ से क्या कर लेना चाहिए, शिफ्ट कर लेना चाहिए, तो वो उस जगह से नौकरी छोड़ के कहाँ चला जाता है, दूसरी जगह चला जाता है। ठीक है, तो इसका अर्थ यही है। तो मेकअप डिपार्टमेंट का सबसे पहले जो हेड था वो एक बंगाली था, वो इतना बड़ा हो गया है ना उस स्टूडियो के लिए कि वो स्टूडियो छोड़ के चला गया। ही वॉज सक्सीडेड, उसका स्थान किसने लिया, बाय ए महाराष्ट्रियन, एक महाराष्ट्र के रहने वाले ने लिया। हु वॉज असिस्टेड बाय, अब उसको महाराष्ट्रियन जो था उसको कौन कौन असिस्ट करते थे, कौन कौन उसके अंडर में थे, अब ये देखो कौन कौन थे, ए धारवार कन्नडिगा, है ना। अब देखो ये कन्नडिगा का मतलब होता है कन्नड़ बोलने वाले लोग, कर्नाटक में कन्नड़ भाषा बोली जाती है ना, और ये धारवाड़ जो है ये कर्नाटक का एक जिला है, ठीक है ना, तो वो कर्नाटक के धारवाड़ जिले का रहने वाला एक कन्नड़ था, है ना, कर्नाटक वासी था वो, है ना। ये लोग असिस्ट करते थे उसको, किसको, महाराष्ट्रियन को, महाराष्ट्रियन के अंडर में ये लोग काम करते थे। एन आंध्रा, उसके अंडर में, महाराष्ट्रियन के अंडर में एक आंध्र प्रदेश का रहने वाला भी काम करता था। ए मैड्रॉस इंडियन क्रिश्चियन, एक मद्रास का भारतीय ईसाई भी था। एन एंग्लो बर्मीज, है ना, एक एंग्लो बर्मीज भी था। एंग्लो बर्मीज का मतलब है कि जो बर्मा कंट्री है ना, आजकल इसका नाम म्यांमार हो गया है ना, तो उसमें क्या है, पहले अंग्रेजों का राज था वहाँ पे भी, है ना, तो जब अंग्रेज छोड़ के चले गए, है ना, उन्होंने जब स्वतंत्र कर दिया उसको म्यांमार को, तो क्या हुआ कि कुछ जो सेना के सिपाही थे या कुछ जो ऑफिसर्स थे वो वहीं रह गए, है ना, वो गए नहीं वापस लौट के इंग्लैंड, और उन्होंने वहीं की महिलाओं से क्या कर ली, शादी कर ली, और वहीं रच बस गए वो। तो ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं, एंग्लो बर्मीज बोलते हैं, जैसे अपने एंग्लो इंडियंस होते हैं तो वो भी उसी तरह के लोग होते हैं, ठीक है, तो एक एंग्लो बर्मीज भी था। एंड द यूजुअल लोकल तमिल्स, तमिल बोल दो, तमिल बोल दो, है ना, तमिलनाडु के रहने वाले जो होते हैं वो तमिल्स बोलते हैं, तमिल्स बोलते हैं, और कुछ लोकल तमिल भी थे। तो कहने का मतलब ये देखो कि सबसे पहले बंगाली था जो छोड़ के चला गया, उसके बाद एक महाराष्ट्रियन आया जिसकी सहायता करने के लिए मेकअप डिपार्टमेंट में इतने सारे लोग थे, है ना, एक कर्नाटक के धारवाड़ जिले का रहने वाला था, एक आंध्र प्रदेश का था, एक मद्रास का क्रिश्चियन था, एक एंग्लो बर्मीज था, और कुछ लोकल तमिल लोग थे। ऑल दिस शोज, यह सब ये दर्शाता है दैट की देयर वाज ए ग्रेट डील ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, कि वहां पर एक बहुत बड़ी मात्रा में राष्ट्रीय इंटीग्रेशन था। इंटीग्रेशन का मतलब होता है जहां पर पूरे भारत के लोग रहते हों, है ना, एकजुट होके रहते हों, ठीक है ना, यानी वहां पे पूरा भारत देखने को मिल जाए ऐसे, तो नेशनल इंटीग्रेशन। लॉन्ग बिफोर AIR, ऑल इंडिया रेडियो एंड दूरदर्शन बिगिन ब्रॉडकास्टिंग प्रोग्राम्स ऑन नेशनल इंटीग्रेशन, तो लेखक ये कहना चाह रहे हैं कि ऑल इंडिया रेडियो पर और जो दूरदर्शन है उस पर राष्ट्रीय एकीकरण, है ना, नेशनल इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय एकता पर जो प्रोग्राम प्रसारित किए जाते हैं, है ना, उससे बहुत पहले वहां पर उस जर्मनी स्टूडियो में नेशनल इंटीग्रेशन देखने को मिलता था, क्योंकि पूरे भारत से ही वहां के लोग काम करते थे। दिस गैंग ऑफ नेशनली इंटीग्रेटेड मेकअप मैन, है ना, अब इसको एक ऐसे लोगों का समूह कहा गया है जो राष्ट्रीय रूप से एक हों, मेकअप मैन का कुड टर्न, ये लोग क्या कर सकते थे, बदल सकते थे, कुड टर्न एनी डिसेंट लुकिंग पर्सन, किसी भी अच्छे भले दिखने वाले आदमी को मेकअप पोत के क्या कर देते, भूत बनाने में ये लोग माहिर थे, है ना। अब होता क्या बेटा, देखो मेकअप लगाने से भूत तो बन जाता है, लेकिन कैमरे से जब उसकी फिल्म बनती है, पिक्चर बनती है ना, तो एक तो ये है कि सिंपल तुम कैमरे के आगे खड़े हो जाओ और एक्टिंग करो, और दूसरा है कि अगर मेकअप लगा के एक्टिंग करो तो उससे फिर पिक्चर जो बनती है, वो मेकअप की जो पिक्चर होती है वो बहुत ही ब्राइट आती है और बहुत ही क्लियर होती है, बहुत ही प्रेजेंटेबल होती है ना, तो इसलिए मेकअप लगाया जाता था। तो दिस गैंग ऑफ नेशनली इंटीग्रेटेड मेकअप मैन, ये जो समूह था राष्ट्रीय रूप से एकीकृत लोगों का, ये कुड टर्न, बदल सकता था किसी भी भले चंगे दिखने वाले, किसी भी सीधे साधे भले दिखने वाले आदमी को किसमें, इनटू ए हीडियस क्रिम्सन ह्यूड मॉन्स्टर, है ना, हीडियस, हीडियस का मतलब होता है बिल्कुल गंदा दिखने वाला, है ना, क्रिम्सन ह्यूड, क्रिम्सन का मतलब होता है गहरे लाल रंग का, ह्यूड माने रंग, क्रिम्सन यानी गहरा लाल, मॉन्स्टर यानी राक्षस बना देते थे उसको, वो
है ना, विद द हेल्प ऑफ ट्रक लोड्स ऑफ पैनकेक, है ना, उसके ऊपर ट्रक लोड भर भर के क्या लगा देते थे, पैनकेक्स लगा देते थे, एंड ए नंबर ऑफ अदर, और बहुत सारे अन्य प्रकार के लोकली मेड जो स्थानीय रूप से बने हुए होते थे, पोशंस एंड लोशंस। पोशंस एंड लोशंस का मतलब क्या होता है, अनेक प्रकार के क्रीम पाउडर, है ना, तेल, इस तरह की चीजें, लिक्विड्स, भिन्न प्रकार के, इनको लगा के एक भले सीधे साधे दिखने वाले आदमी को वो किसमें बदल सकते थे, एक दैत्य के आकार या राक्षस के जैसा लगने वो लग जाता था। अब राक्षस तो नहीं लगता था, पर मतलब ये कि अजीब सा लगने लग जाता, लेकिन जब उसकी फिल्म बनती है तो वो बहुत ही अट्रैक्टिव लगती है। ये है, अब कहने का मतलब ये है कि अगर आप जब शूटिंग हो रही हो उस समय किसी कलाकार को मेकअप में देख लो, तुम कहोगे यार ये कितना गंदा लग रहा है ये, है ना, लेकिन जब उसकी उसी की जब फिल्म बनती है तो पर्दे पे वही व्यक्ति कैसा लगता है, बहुत अट्रैक्टिव लगता है, चार्मिंग लगता है, ठीक है ना, ये है इसका मतलब। दोज वर द डेज ऑफ मेनली इंडोर शूटिंग, है ना, अब लेखक कह रहे हैं अश्वकामित्रन के उन दिनों में जो अधिकांश शूटिंग हुआ करती थी वो इंडोर होती थी, अंदर होती थी, एंड ओनली 5% ऑफ फिल्म वाज शॉट आउटडोर्स, और किसी भी फिल्म का केवल मात्र 5% हिस्सा, 5% के आसपास हिस्सा वो बाहर बाहर शूट होता था, है ना, क्योंकि इतनी सुविधाएं नहीं थी, है ना। आजकल तो ज्यादातर शूटिंग कहाँ होती है, आउटडोर्स होती है, कुछ आप इंडोर भी होती है लेकिन आउटडोर भी खूब सारा पार्ट उसका होता है। आई सपोज द सेट्स एंड स्टूडियो लाइट्स नीडेड द गर्ल्स एंड बॉयज टू बी मेड टू लुक अर्ली अगली इन ऑर्डर टू लुक प्रेजेंटेबल इन द मूवी। देखो मैंने जो बताया था वही बात है इसमें भी, है ना, लेखक कह रहे हैं मैं मानता हूं कि ये जो सेट था, स्टूडियो का जो सेट था और स्टूडियो की जो लाइट्स थी, नीडेड द गर्ल्स एंड बॉयज, है ना, ये किस उन जो लड़कों और लड़कियों को जो एक्टर एक्ट्रेसेस होते थे उनको टू बी मेड टू लुक अगली, उनको क्या बनाने के लिए थी, ये गंदा बनाने के लिए थी, है ना, अलग प्रकार का दिखने वाला बनाने के लिए थी, जिससे कि इन ऑर्डर टू लुक प्रेजेंटेबल इन द मूवी, है ना, जिससे कि वो किसमें मूवी के अंदर प्रेजेंटेबल बन सके, मूवी के अंदर वो अच्छा दिखने वाला बन सके, अच्छा दिखे। ए स्ट्रिक्ट हायरार्की वाज मेंटेन्ड इन द मेकअप डिपार्टमेंट। अब लेखक कह रहे हैं कि जो मेकअप डिपार्टमेंट था उसमें एक निश्चित क्रम था, है ना, निश्चित क्रम का मतलब क्या है कि जो टॉप लेवल का आदमी है वो किसका मेकअप करेगा, मेन जो हीरो हीरोइन है उनका करेगा, फिर उससे नीचे वाला जो आर्टिस्ट है उसका मेकअप कौन करेगा, जो सेकेंड लेवल का मेकअप मैन है वो करेगा, इस तरह से, ठीक है ना। तो उसमें एक विशेष प्रकार का वरीयता क्रम निर्धारित था जर्नी स्टूडियो के अंदर मेकअप डिपार्टमेंट में। द चीफ मेकअप मैन, जो चीफ मेकअप, मुख्य जो हेड था मेकअप डिपार्टमेंट का, वो मेड द चीफ एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस अगली। वो जो मुख्य हीरो हीरोइन होते थे, एक्टर एक्ट्रेस होते, उनको गंदा बनाता था, गंदा बनाने का मतलब उनका मेकअप करता था। हिज सीनियर असिस्टेंट, और उसका जो सीनियर असिस्टेंट होता था, चीफ है किसका, चीफ मेकअप मैन का जो सीनियर असिस्टेंट होता था, वरिष्ठ जो उसका सहायक होता था, है ना, वो किसका मेकअप करता था, द सेकेंड हीरो एंड हीरोइन, सेकेंड हीरो हीरोइन का मेकअप करता था। फिर जो जूनियर असिस्टेंट था, द मेन कॉमेडियन, वो मेन कॉमेडियन का मेकअप करता था, एंड सो फोर्थ, और इसी प्रकार ये क्रम नीचे घटता हुआ चला जाता था। द प्लेयर्स हु प्लेड द क्राउड वर द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑफिस बॉय। अब तुमने कभी देखा होगा सिर्फ फिल्मों में भीड़ को दिखाना होता है ना, खूब सारे लोग हाय हल्ला कर रहे हैं, अब वो भी तो क्या किराए पे लाने पड़ता है उनको, है ना, उनको भी क्या करना पड़ता है, किराए पे लाना पड़ता है, तो उनका भी मेकअप करना जरूरी है। उनका मेकअप कौन करता था, उनके ऑफिस में चपरासी था, वो मेकअप करता था उनका, ठीक है ना। द प्लेयर्स हु प्लेड द क्राउड, तो जो लोग, प्लेयर्स का मतलब क्या है यहाँ पे, वो लोग जो भीड़ का रोल अदा करते थे, वर द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑफिस बॉय, उनको मेकअप करने की जिम्मेदारी किसकी थी, ऑफिस बॉय की थी। ऑफिस बॉय को मतलब उनका जो सर्वेंट था, चपरासी जो था, उसकी ड्यूटी थी। इवन द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियो हैड एन ऑफिस बॉय एक्सक्लेमेशन। अब ये लेखक कह रहे हैं देख लो उस जमाने में भी जेमिनी स्टूडियो में ऑफिस बॉय हुआ करते थे, यानी ऐसा एरा गेरा नहीं था जेमिनी स्टूडियो। ऑन द डेज वेन देयर वाज ए क्राउड शूटिंग, जिन दिनों पर क्राउड शूटिंग होती थी, है ना, जहां पे बहुत सारे लोगों को दिखाना होता था, प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, हाय हाय कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उस समय
यू कुड सी हिम, आप उसे देख सकते थे, किसे देख सकते थे, ऑफिस बॉय को, हिम किसके लिए आया यहाँ पे, ऑफिस बॉय को, यू कुड सी हिम, आप उसे देख सकते थे, मिक्सिंग हिज पेंट, वो पेंट को मिक्स कर रहा होता था, जो मेकअप मटेरियल था उसको मिक्स कर रहा होता था इन ए जाइंट वेसल, एक बड़े भारी बड़े वाले बर्तन में क्योंकि बहुत सारा लगाना पड़ेगा ना उसको, तो एक बहुत बड़े बर्तन में वो क्या करता था, पेंट को मिक्स करता था, मेकअप मटेरियल क्या करता था, तैयार करता था, एंड स्लैपिंग इट, और थपेड़े मारता था स्लैप मतलब चांटा मारना होता है वैसे, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, पोत देना है ना, और स्लैप करता था, पोत देता था इस मेकअप मटेरियल को ऑन द क्राउड प्लेयर्स, जो भीड़ का रोल अदा करते थे उन लोगों पर उसको पोत देता था। द आइडिया वॉज टू क्लोज एवरी पोर ऑन द सरफेस ऑफ द फेस इन द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग मेकअप, है ना, लेखक कह रहे हैं कि इतना मेकअप किया जाता था, इतना मेकअप पोता जाता था कि चेहरे के ऊपर जो भी छिद्र होते हैं ना हर व्यक्ति की त्वचा पे छिद्र होते हैं, स्किन पे पोर्स होते हैं, कि कोई भी छिद्र जो है वो दिखना नहीं चाहिए, इतना पोत दो, है ना। तो आइडिया वाज टू क्लोज, बंद करने का, ये उसके पीछे ये आइडिया था कि बंद कर दो एवरी पोर, हर छेद को ऑन द सरफेस ऑफ द फेस, चेहरे के ऊपर जो भी छिद्र है उनको सबको क्या कर दो, जो भी गड्ढे उनको पैक कर दो, इन द प्रोसेस ऑफ फ्लाइंग मेकअप, मेकअप लगाते समय, यानी कुछ भी दिखना नहीं चाहिए उबड़ खाबड़, सब कुछ पोत पात के और बिल्कुल चमकीला कर दो। ही वॉज नॉट एग्जैक्टली ए बॉय, है ना, अब जो ऑफिस बॉय कहा जा रहा है उसको, तो ये लेखक कह रहे हैं वो एग्जैक्टली कोई बॉय नहीं था, वो कोई लड़का नहीं था। ही वॉज इन अर्ली 40s, वो अपनी शुरुआती 40 वर्षों में था, इस मतलब 40 से 45 के बीच में था वो। Having entered the studios years ago, वह यहाँ इस स्टूडियो में वर्षों पहले आया था, कौन, वो ऑफिस बॉय, इन द होप, इस आशा में, ऑफ बिकमिंग ए स्टार एक्टर, कि वो एक दिन क्या बनेगा, एक स्टार एक्टर बनेगा, और ए टॉप स्क्रीन राइटर, या फिर एक बहुत बड़ा स्क्रीन राइटर बनेगा, है ना, जो कहानियां लिखता है ना, फिल्म की पटकथा लिखता है वो बनेगा, वो ऐसे ख्वाब थे उसके, हर आदमी के होते हैं, है ना, या डायरेक्टर बनेगा, और लिरिक्स राइटर गीत लिखने वाला, है ना, गीत लिखते हैं ना फिल्मों के, गीत जो होते हैं वो लिखेगा वो। ही वाज ए बिट ऑफ ए पोएट, तो वो जो ऑफिस बॉय है वो कुछ कुछ कवि भी था कविताएं भी वो लिख लेता था, है ना, एक प्रकार से वो पोएट भी था। इन दोज डेज, उन दिनों, आई वर्कड इन ए क्यूबिकल, मैं एक क्यूबिकल में काम करता था, क्यूबिकल का मतलब छोटा सा कमरा मान लो आप, है ना, जैसे बड़े बड़े ऑफिस होते हैं ना तो उनमें पार्टीशन कर देते हैं अलग अलग लोगों के लिए बैठने के लिए, है ना, तो एक क्यूबिकल बोलते हैं उसको, छोटा सा है, एक रूम सा बना देते हैं पार्टीशन करके। तो उन दिनों मैं एक क्यूबिकल में काम करता था, टू होल साइड्स ऑफ विच, जिसकी की दो पूरी की पूरी जो साइड्स थी वर फ्रेंच विंडोज थी उनके दोनों तरफ, यानी उस क्यूबिकल में दो तरफ क्या थी, फ्रेंच विंडोज थी, फ्रेंच विंडोज होती हैं बड़ी बड़ी खिड़कियां होती हैं जो खुल जाती हैं पूरी तरह से, ऐसी थी। आई डिड नॉट नो एट दैट टाइम दे वर कॉल्ड फ्रेंच विंडोज, अब लेखक कह रहे हैं कि उन दिनों मुझे पता नहीं था कि ऐसी खिड़कियों को फ्रेंच विंडोज बोलते हैं। सीइंग मी सिटिंग एट माई डेस्क, है ना, लोग क्या करते थे, मुझे अपनी डेस्क पर बैठा हुआ देखते, टियरिंग अप न्यूज़पेपर्स डे इन एंड डे आउट, दिन तो रात तो बस मैं क्या कर रहा होता था, न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता था और फाड़ रहा होता था उनको, तो लोग कहते थे यार इसके पास तो कोई काम ही नहीं है, है ना। तो सीइंग मी सिटिंग एट माई डेस्क, मेरे को अपनी डेस्क पे बैठा हुआ देखकर क्या करते हुए, फाड़ते हुए न्यूज़पेपर्स को, दिन रात न्यूज़पेपर्स को फाड़ते हुए, मोस्ट पीपल थॉट, अधिकांश लोग सोचते थे, आई वॉज डूइंग नेक्स्ट टू नथिंग, कि मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, मैं तो बिल्कुल ठाला बैठा हूँ। इट इज लाइकली दैट, हो सकता है, द बॉस थॉट लाइक वाइज टू, मेरे बॉस भी ऐसा ही समझते हो जो SS वासन है इनके बॉस। सो एनी वन हु फेल्ट, इसलिए जो भी ऐसा सोचता था कि भाई मेरे पास कुछ भी काम नहीं है, लेखक अशोका मित्रण के पास कोई काम नहीं है, वो लोग क्या करते थे, आई शुड बी गिवन सम ऑक्यूपेशन, कि मेरे को कुछ ना कुछ काम दे दिया जाए, यार ये भाई ठाला बैठा है इसको कुछ ना कुछ काम पकड़ा दो, ऐसा लोग सोचते थे। और वो वुड बार्ज इनटू माय क्यूबिकल, वो मेरी क्यूबिकल में आधमकते थे, मेरा जो केविन था मेरे केविन में आधमकते, एंड डिलीवर एन एक्सटेंडेड लेक्चर, और मेरे को लेक्चर पिला देते, एक बड़ा सा लेक्चर पिला देते थे। द बॉय इन द मेकअप डिपार्टमेंट, अब वही जो बॉय था ऑफिस बॉय, मेकअप डिपार्टमेंट के अंदर जो बॉय था, वो जो चपरासी था,
है डिसाइडेड, उसने निश्चय किया, आई शुड बी एनलाइटन्ड ऑन हाउ ग्रेट लिटरेरी टैलेंट वाज बीइंग अलाउड टू गिव गो वेस्ट इन ए डिपार्टमेंट फिट ओनली फॉर बारवर्स एंड परवर्ट्स, है ना। अब वो क्या है, एक्चुअली में जो ऑफिस बॉय था वो अपनी खुद के काम से संतुष्ट नहीं था। होता है ना, कई लोग ऐसे होते हैं, जैसे ख्वाब तो होते हैं बहुत बड़े बड़े, है ना, अब उसके हिसाब से मेहनत तो की हुई नहीं होती है उन्होंने, है ना, बस आकांक्षाएं बड़ी लंबी चौड़ी होती हैं और उनकी कोई छोटी नौकरी लग जाती है फिर जिंदगी भर वो रोते रोते निकालते हैं, है ना, जो काम वो है उनके पास उसको भी फिर वो ढंग से नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो लेखक यही कह रहे हैं कि जो ऑफिस बॉय था उसने निश्चय किया कि आई शुड बी एनलाइटन्ड, कि वो मुझे कुछ ज्ञान पिलाए, है ना, एनलाइटन करे, मेरा ज्ञान वर्धन करे वो, कि हाउ ग्रेट लिटरेरी टैलेंट, कि कितना बड़ा महान जो साहित्य का टैलेंट है, वाज बीइंग अलाउड टू गो वेस्ट, उसको वेस्ट किया जा रहा है। खुद के लिए कह रहा है वो कि भाई मेरे अंदर कितना लिटरेरी टैलेंट है, मैं कितना जो है ना साहित्यिक रूप से कितना उत्कृष्ट वो हूँ, लेखक हूँ, है ना, खुद को कवि मानता था ना, वो आया था ना इसमें, ही वाज ए बिट ऑफ पोएट, है ना, इस तरह से। तो वो कहता था कि देखो मेरा कितना बड़ा टैलेंट है, उसको ये जो मेकअप डिपार्टमेंट है या ये जो जेमिनी स्टूडियो है ये वेस्ट कर रहा है, यानी मेरे काम की इनको कद्र नहीं है, बस मेरे को ऑफिस बॉय के काम में लगा रखा है इन्होंने, है ना। और ये डिपार्टमेंट जो है ना मेकअप डिपार्टमेंट, उसको भी भला बुरा कहता कि ये तो भाई नाइयों के लिए है बस, है ना, या परवर्ट्स छक्के उचक्के जो होते हैं, बस नाचने गाने वाले कमर मटकाने वाले जो होते हैं, ये अपना वो अपनी वो निकाल रहा है, बड़ास निकाल रहा है ना, उन एक्टर एक्ट्रेसेस को क्या बोल रहा है, नचकइये बोल रहा है उनको, परवर्ट्स बोल रहा है ना, कमर मटकाने वाले ऐसे बोल रहा है कि ये जो डिपार्टमेंट है ना, ये मेकअप डिपार्टमेंट जेमिनी स्टूडियो का, ये तो बस नाइयों के लिए और नचकइयों के लिए है, यहाँ पे टैलेंट की कदर नहीं है, मेरा देखो कितना बड़ा टैलेंट है, मैं कितना बड़ा कवि हूँ, महान लेखक हूँ, और मेरा टैलेंट यहाँ पे कोई पहचान नहीं रहा, और ये क्या जा रहा है, वेस्ट जा रहा है। सून आई वाज प्रेइंग, वो आग धमकता था उनकी केबिन में, लेखक की में, तो जल्दी ही मैं प्रार्थना करने लगा ऑफ क्राउड शूटिंग ऑल द टाइम, कि हर टाइम क्राउड शूटिंग होती रहे, बस वो जो भीड़ वाली शूटिंग है ना वो होती रहे। क्यों होती रहे बताओ, क्योंकि अगर भीड़ की शूटिंग होगी तो उनका मेकअप करना पड़ेगा, और वो मेकअप कौन करता था, वो ऑफिस बॉय करता था, इससे वो क्या रहेगा, बिजी रहेगा, है ना। तो लेखक सून आई वाज प्रेइंग में प्रार्थना करने लगा फॉर क्राउड शूटिंग ऑल द टाइम, कि हर टाइम क्या होती रहे, क्राउड शूटिंग ही होती रहे, नथिंग शॉर्ट ऑफ इट कुड सेव मी फ्रॉम हिज एपिक्स, एपिक्स का मतलब बड़े बड़े दार्शनिक ज्ञान, बड़ी बड़ी पोथियों का ज्ञान मुझे को झेलना नहीं पड़ेगा, नथिंग शॉर्ट ऑफ इट कुड सेव मी, यानी ऐसी इसके अलावा क्राउड शूटिंग के अलावा और कोई चीज ऐसी नहीं थी जो मुझे उसके लंबे लंबे प्रवचनों से क्या कर सके, बचा सके। In all instances of frustration, you will always find the anger directed towards a single person, है ना। अब देखो यहाँ अभी एक दूसरे उस पर आ गए, देखो यहाँ पर शिफ्ट होगी ये स्टोरी, है ना। सबसे पहले इसमें किसके बारे में बताया गया था, रॉबर्ट क्लाइव के बारे में बताया गया, ठीक है ना। फिर जो हेड मेकअप मैन था, जैसे वो पहले बंगाली था फिर महाराष्ट्रियन आ गया, उसके बारे में बताया गया, है ना। फिर कहानी किस पर चल गई, ऑफिस बॉय पर पहुंच गई, है ना। अब एक दूसरे व्यक्ति की ओर जा रही है ये, है ना। इन ऑल इंस्टेंसेस ऑफ फ्रस्ट्रेशन, है ना, कि यानी जेमिनी स्टूडियो के जो लोग थे अपनी हर फ्रस्ट्रेशन की घटनाओं में, जब भी उनको कोई फ्रस्ट्रेशन निकालना होता था, जब भी कोई भड़ास निकालनी होती थी, तो यू विल ऑलवेज फाइंड द एंगर, तो वो अपनी जो गुस्सा थी उसको डायरेक्टेड टूवर्ड्स, उसको किसकी ओर कर देते थे, उस गुस्से को किसकी ओर निकालते थे, किसके ऊपर निकालते थे, ए सिंगल पर्सन, है ना, ओपनली और कॉवर्टली, है ना, एक अकेले व्यक्ति के ऊपर, यानी उनका सबका गुस्सा, जेमिनी स्टूडियो के जितने भी लोग थे, जब उनको अपनी भड़ास निकालनी होती थी, है ना, तो उनका गुस्सा सिर्फ एक ही व्यक्ति की ओर निकलता था, एक ही व्यक्ति के ऊपर निकलता था, चाहे वो खुले में निकले, चाहे कॉवर्टली इनडायरेक्ट वे में, चाहे डायरेक्ट वे में निकले या इनडायरेक्ट वे में निकले, एक व्यक्ति के ऊपर। एंड दिस मैन ऑफ द मेकअप डिपार्टमेंट, और ये जो व्यक्ति था वो किसका था, मेकअप डिपार्टमेंट का ही व्यक्ति था, वाज कन्विंस्ड, है ना, दैट ऑल हिज वूज इग्नोमिनी एंड नेग्लेक्ट वर ड्यू टू कोठा मंगलम शुभू,
है ना। अब इस व्यक्ति का नाम क्या है जिस पर सब लोग अपनी भड़ास निकालते थे, इसका नाम था कोठामंगलम शुभू, ठीक है ना। तो जेमिनी स्टूडियो के मेकअप डिपार्टमेंट के जिन लोगों को भी शिकायत होती थी अपनी गुस्सा निकालना होता था, तो उन सब का जो गुस्सा था वो सिर्फ प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से एक ही व्यक्ति को टारगेट होता था, है ना। और वो सब लोग कन्विंस होते थे, सब लोग ये मान के चलते थे कि जितनी भी उनकी वूज हैं, परेशानियां हैं, इग्नोमिनी, है ना, इग्नोमिनी का मतलब भी बेइज्जती, इग्नोमिनी का मतलब क्या हो गया, बेइज्जती, कि जो भी उनकी परेशानी है या जो भी उनकी बेइज्जती हो रही है या जो भी उनको नेग्लेक्ट किया जा रहा है, अनदेखी उनकी हो रही है यहाँ मेकअप डिपार्टमेंट में, वर ड्यू टू कोठामंगलम शुभू, ये इस व्यक्ति की वजह से हो रही है। किसकी वजह से, कोठामंगलम शुभू की वजह से हो रही है, ऐसा वो सब लोग मान के चलते थे। सुबु वाज नंबर टू एट जेमिनी स्टूडियोज। अब जो सुबु, ये जो कोठामंगलम सुबु है, ये नंबर दो पे थे। एक नंबर पे तो कौन थे बताओ, जो इनके बॉस थे एसएस वासन, और सेकंड नंबर पे कौन थे, ये कोठामंगलम सुबु थे, ठीक है ना। ही कुड नॉट हैव हैड ए मोर एनकरेजिंग ओपनिंग इन फिल्म्स देन अवर ग्रोन अप मेकअप बॉय हैड। अब देखो, इन्होंने बेटा बहुत संघर्ष किया था, कोठामंगलम शुभू ने क्या किया था, बहुत संघर्ष किया था। इसमें बताया गया ये कि ही कुड नॉट हैव हैड ए मोर एनकरेजिंग ओपनिंग इन फिल्म्स, यानी उनकी जो शुरुआत थी फिल्मों के अंदर वो कोई बहुत ज्यादा एनकरेजिंग नहीं थी कि भाई शुरुआत में एकदम सफलता उनको मिल गई हो, है ना। यहां तक कि देन अवर ग्रोन अप मेकअप मैन बॉय हैड, है ना, यानी जो हमारा मेकअप मैन है ना, ये मेकअप जो बॉय है, जो ऑफिस बॉय है, इसकी फिर भी अच्छी शुरुआत हुई थी, लेकिन बेचारे जो ये कोठामंगलम शुभू हैं, इनकी तो उससे भी गई बीती शुरुआत हुई थी। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत, ही मस्ट हैव हैड टू फेस मोर अनसर्टेन एंड डिफिकल्ट टाइम्स, है ना। और उल्टा इनको, कोठामंगलम शुभू को तो सामना करना पड़ा, फेस करना पड़ा, इनको सामना करना पड़ा मोर अनसर्टेन एंड डिफिकल्ट टाइम्स, बहुत ज्यादा अनिश्चित और कठिन समय का उन्हें सामना करना पड़ा। फॉर वेन ही बिगेन हिज करियर, जब उन्होंने अपना क्या शुरू किया था, करियर शुरू किया था, देयर वर नो फर्मली एस्टेब्लिश्ड फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनीज, है ना, क्योंकि जब ये कोठामंगलम शुभू हैं, इन्होंने जब अपना फिल्म करियर शुरुआत की थी, उस समय ज्यादा बड़ी, है ना, एस्टेब्लिश्ड फिल्म मेकिंग कंपनियां नहीं हुआ करती थी, है ना, देयर वर नो फर्मली एस्टेब्लिश्ड, है ना, अच्छी तरह से स्थापित फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनीज नहीं हुआ करती थी या स्टूडियोज नहीं हुआ करते थे उन दिनों में। तो इनको तो क्या हुआ था, बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ा था। इसका मतलब कोठामंगलम शुभू की एज क्या है, थोड़ी ज्यादा है। इवन इन द मैटर ऑफ एजुकेशन, और लेखक कह रहे हैं कि पढ़ाई के मामले में भी, उनकी जो एजुकेशन थी उसके मामले में भी, स्पेशली फॉर्मल एजुकेशन, विशेष रूप से कौन सी, औपचारिक शिक्षा जो आप पढ़ते हो, 10th 12th, है ना, फिर ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, ये फॉर्मल एजुकेशन कहलाती है, जिनकी हमें क्या मिलती है, डिग्री मिलती है, सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, है ना। तो लेखक कह रहे हैं कि विशेष रूप से जो फॉर्मल एजुकेशन है ना, इसके मामले में सुबु कुड नॉट हैव हैड एन अप्रिसिएबल लीड ओवर अवर ऑफिस बॉय, है ना। तो सुबु के पास में हमारा जो ऑफिस बॉय है, इससे कोई ज्यादा डिग्रीज नहीं थी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऑफिस बॉय है ये ज्यादा पढ़ा लिखा था, बजाय किसके, कोठामंगलम शुभू के, अर्थात कोठामंगलम शुभू ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन फिर भी वो कौन से नंबर पे थे, नंबर टू पे थे। बट, लेकिन बाई वर्च्यू ऑफ बीइंग बोर्न ए ब्राह्मण, क्योंकि उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, ए वर्च्यू इंडीड। अब लेखा किसको, ब्राह्मण परिवार में, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने को एक तरह से उसको गुण मान रहे हैं, वर्च्यू मान रहे हैं, है ना, क्योंकि उस जमाने में बेटा जो ये दक्षिण भारत के ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण तो खैर चलो देखो चाहे उत्तर भारत के हो दक्षिण, क्योंकि इनकी जो प्रतिष्ठा है वो समाज के अंदर नंबर वन पे हुआ करती थी। जो राजा महाराजा होते थे वो भी कितना आदर सत्कार इनका करते थे, है ना, तो नेचुरली जो सामाजिक प्रतिष्ठा थी उनमें इनका शीर्ष स्थान था ब्राह्मणों का। तो लेखक इसलिए उसको क्या मान रहे, एक वर्च्यू मान रहे हैं, गुण मान रहे हैं। तो ही मस्ट हैव हैड एक्सपोजर टू मोर अफ्लुएंट सिचुएशंस। तो लेखक कह रहे हैं कि ये इनका एक गुण था और इस गुण की वजह से उनको एक्सपोजर मिला, है ना, क्या मिला उनको, एक्सपोजर मिला, यानी उनको इन चीजों से आमना सामना हुआ,
उन चीजों का लाभ मिला कि इनका मोर अफ्लुएंट सिचुएशंस, ज्यादा है ना अफ्लुएंट ऐसी स्थितियां जो कैसी हो, रिच स्थितियां, रिच है ना स्थितियों का उनको क्या हुआ, एक्सपोजर मिला। एंड पीपुल, रिच स्थितियों का और रिच लोगों का उन्हें एक्सपोजर मिला, इसलिए इसको लेखक क्या मान के चल रहे हैं, एक गुण मान के चल रहे हैं। और भी गुण आएंगे इसमें। ही हैड द एबिलिटी टू लुक चीयरफुल एट ऑल टाइम्स इवन आफ्टर हैविंग हैड ए हैंड इन ए फ्लॉप फिल्म। अब देखो ये दूसरा गुण बता दिया कि भले ही उनकी फिल्म फ्लॉप हो गई हो, उन फिल्म को फ्लॉप होने में उनका हैंड हो, उनका हाथ हो, है ना, ही हैड द एबिलिटी, लेकिन फिर भी उनके अंदर योग्यता थी कि वो प्रसन्नचित्त दिख सकें, लुक चीयरफुल कैसे दिख सकें, प्रसन्नचित्त दिख सकें एट ऑल टाइम्स, हर समय वो कैसे रह सकें और कैसे दिख सकें, खुश दिख सकें, इवन आफ्टर हैविंग ए हैंड इन ए फ्लॉप फिल्म, भले ही उनकी फिल्म क्या हो गई हो, फ्लॉप हो गई हो। ही ऑलवेज हैड वर्क फॉर समबडी, है ना। अब कोटा मंगलम सुबू के पास हर व्यक्ति के लिए हर समय काम होता था, तो ऐसे ऐसे आदमी से चिढ़ते हैं ना लोग, है ना, कि यार ये थाली नहीं बैठने देता 2 मिनट भी, है ना कुछ काम बता देता है। ही कुड नेवर डू थिंग्स ऑन हिज ओन, है ना, कोटा मंगलम सुबू खुद कभी कुछ काम नहीं करते थे अपने, उससे बस लोगों को एंगेज करके रखते थे। अब ये भी एक कला होती है ना, इसी को तो मैनेजमेंट बोलते हैं, ठीक है ना। बट हिज सेंस ऑफ लॉयलिटी मेड हिम आइडेंटिफाई हिमसेल्फ विद हिज प्रिंसिपल कंप्लीटली एंड टर्न हिज एंटायर क्रिएटिविटी टू हिज प्रिंसिपल्स एडवांटेज, है ना। अब जो इनके बॉस थे एसएस वासन, इनके प्रति इनकी वफादारी क्या थी, बहुत श्रेष्ठ थी, है ना, यानी उनके बहुत जबरदस्त उनके वफादार थे ये, है ना। देखो बेटा, आदमी को वफादार लोग चाहिए, चाहे भले कम पढ़ा लिखा हो चल जाएगा, लेकिन कैसा होना चाहिए बताओ, वफादार होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये आप जिंदगी में गांठ बांध के रखना बेटा, है ना, कि हमें हमेशा क्या होना चाहिए, वफादार होना चाहिए, ठीक है ना, अच्छे कामों का। बट हिज सेंस ऑफ लॉयल्टी, लेकिन उनका जो लॉयल्टी का सेंस था, वफादारी का जो उनका भाव था, मेड हिम आइडेंटिफाई हिमसेल्फ, इसने उन्हें पहचान दिलाई विद हिज प्रिंसिपल अपने मुखिया के साथ। प्रिंसिपल का मतलब क्या है यहाँ पे, मुखिया कौन है, एसएस वासन, पूरी तरह से एंड टर्न हिज एंटायर क्रिएटिविटी, और उन्होंने कोठा मंगलम सुबू ने अपनी जो पूरी की पूरी क्रिएटिविटी थी, जो रचनाशीलता थी, रचनात्मकता जो थी, उसे काम में लिया। उन्होंने किसके लिया, हिज प्रिंसिपल्स एडवांटेज, अपना जो मुखिया है, अपना जो हेड है ना, जो एसएस वासन है, डायरेक्टर जो है, उनके एडवांटेज के लिए उस उन्होंने अपनी उस रचनाशीलता का उपयोग किया। ही वॉज टेलर मेड फॉर फिल्म, वो फिल्म के लिए क्या थे, जबरदस्त सूटेबल थे। टेलर मेड का मतलब क्या होता है, जो कहीं भी फिट हो जाए, ठीक है ना, मास्टरपीस जिसको बोलते हैं, टेलर मेड थे वो। हियर वॉज ए मैन हु कुड बी इंस्पायर्ड वेन कमांडेड, है ना, वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको बस आदेश देने की देर है, तुरंत उनको इंस्पिरेशन आ जाती थी। अब एक घटना का वर्णन किया गया है इसमें, द रेट फाइट्स द टाइग्रेस अंडर वाटर। कल्पना करो कि पानी के अंदर एक चूहे में और एक जो टाइग्रेस है ना, फीमेल जो चीता है, उसमें लड़ाई हो रही है। एंड किल्स हर, है ना, और जो चूहा है वो लड़ाई करता है एक फीमेल टाइगर से और पानी के अंदर, और उसे मार देता है। बट लेकिन टेक्स पिटी ऑन द कब्स, लेकिन उसे वो जो उस फीमेल टाइग्रेस है उसके जो बच्चे हैं, कब्स जो हैं उसके, उन पर दया आ जाती है उसे चूहे को। एंड टेंड्स देम लविंगली, और वो उनको क्या करता है, प्यार से उनकी केयर करता है, देखभाल करता है, कौन, चूहा, ठीक है ना। तो आई डोंट नो हाउ टू डू द सीन। अब जो प्रोड्यूसर वुड से, जो उनके प्रोड्यूसर हैं, जो बॉस हैं, है ना, वो कह रहे हैं कि भाई मुझे ये वाला सीन करना है, मुझे पानी के अंदर लड़ाई दिखानी है, किसकी, एक चूहे की और एक फीमेल चीता की, और चूहा फीमेल चीता को मार देता है ना, और फिर उसके बाद जो चूहा है उसको उस फीमेल चीता के बच्चों पर दया आ जाती है, और वो उनकी बड़े प्यार से उनकी देखभाल करता है। तो वो जो प्रोड्यूसर है वो कह रहे हैं कि मैं, जो समझ नहीं आ रहा कि मैं इसको कैसे करूं, है ना। तो अब बता रहे हैं,
एंड सुबू वुड कम आउट विद फोर वेज ऑफ रेड, और तुरंत सुबू चार तरीके बता देते थे। सुबू क्या कर देते थे? चार तरीके बता देते थे ऑफ रेड पोरिंग अफेक्शन, के इस प्रकार से, इस तरह से रेड जो है चूहा वो अपना प्यार दर्शा सकता है ऑन इट्स विक्टिम्स ऑफ स्प्रिंग, जो उसके जो शिकार किया है उसने फीमेल चीता का, उसकी जो संतान है, उसके जो बच्चे हैं उन पर वो इस तरह से अपना प्यार दर्शा सकता है। गुड, ठीक है, बट आई एम नॉट श्योर, है ना। अब वो कह रहा है, क्या नाम है जो प्रोड्यूसर है, वो कह रहा है हाँ बात तो तेरी ठीक है भाई, बात तो आपकी ठीक है शुभू, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ इट इज इफेक्टिव इनफ कि ये चल पाएगा, ये जो आपका आइडिया है, ये जो आपने बताया है, ये चार आइडिया जो बताए हैं ये चल पाएंगे, मुझे इसमें थोड़ा सा संदेह है। द प्रोड्यूसर वुड से प्रोड्यूसर जब ऐसा बोलता था तो एंड इन ए मिनट, एक ही मिनट के अंदर सुबू वुड कम आउट विद 14 मोर अल्टरनेटिव्स, तो एक मिनट के अंदर ही सुबू क्या करते थे, 14 और नए नए आइडियाज दे देते थे कि इस तरह से आप इसको आगे बढ़ा सकते हो, इस तरह से आप ये प्यार दर्शा सकते हो, है ना। फिल्म मेकिंग मस्ट हैव बीन एंड वाज सो इजी विद ए मैन लाइक सुबू। सुबू जैसे एक व्यक्ति के लिए फिल्म मेकिंग बहुत आसान काम था, है ना। जब सुबू जैसा आदमी एक हमारे आसपास हो, एंड इफ एवर देयर वाज ए मैन हु गेव डायरेक्शन एंड डेफिनेशन टू जेमिनी स्टूडियोज ड्यूरिंग इट्स गोल्डन ईयर्स, और यही वो व्यक्ति थे जिन्होंने जेमिनी स्टूडियो के स्वर्णिम काल के दौरान उसे दिशा और उसे अपनी परिभाषा दी, जान उसको पहचान दिलाई। इट वाज सुबू, तो वो सुबू थे। सुबू हैड ए सेपरेट आइडेंटिटी एज ए पोइट, सुबू की एक अलग से एक आइडेंटिटी थी, अलग से उनकी पहचान थी एक पोइट के रूप में। एंड दो ही वाज सर्टेनली कैपेबल ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स एंड हायर फॉर्म्स, यद्यपि सुबू और बहुत ज़्यादा जटिल और ऊंची उत्कृष्ट कोटि की जो पोएम्स थी उनको लिखने के वो योग्य थे, लेकिन फिर भी ही डेलिबरेटली जानबूझकर चूज टू एड्रेस हिज पोएट्री, वो अपनी पोएट्री लिखते थे टू द मासेस, जन सामान्य के लिए। हिज सक्सेस इन फिल्म्स ओवरशैडोड एंड ड्वार्फ्ड हिज लिटरेरी अचीवमेंट्स, ना उनकी जो फिल्मों में सफलता थी उसने उनकी जो ये कम पढ़ी लिखी पढ़ाई लिखाई कम होने की इस चीज को क्या कर देती थी, वो दबा देती थी, ओवरशैडो कर देती थी और ड्वार्फ कर देती, छोटा बना देती थी। और सो हिज क्रिटिक्स फेल्ट, और ऐसा ही उसके जो आलोचक थे वो मानते थे। ही कंपोज्ड सेवरल ट्रूली ओरिजिनल स्टोरी पोएम्स इन फॉक रिफ्रेन एंड डिक्शन, उन्होंने बहुत सारी ओरिजिनल स्टोरी पोएम्स लिखी, है ना, किसमें एक लोक जो लोक कला होती है फॉक रिफ्रेन एंड डिक्शन, है ना। डिक्शन का मतलब क्या होता है, फॉक रिफ्रेन एंड डिक्शन, डिक्शन का होता है सिंगिंग, जैसे जो गीत होता है उस तरह से, है ना। रिफ्रेन का मतलब होता है धुन, है ना, उसकी धुन भी लोक कलाओं पर आधारित होती थी और उनकी जो बोल होते थे वो भी लोक कलाओं पर आधारित होते थे। एंड वाज रोट ए स्प्रॉलिंग नॉवल, और उन्होंने एक ऐसा नॉवल लिखा जिसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई, उसका नाम था थिलाना मोहनंबल, विद डजन्स ऑफ वेरी डेफ्टली एस्ड कैरेक्टर्स, और उसके अंदर सैकड़ों, है ना, ऐसे उन्होंने पात्र रचे अपने इस नॉवल के अंदर, है ना, उन्होंने ऐसे पात्र लिखे, है ना, जो बहुत ज़्यादा स्किलफुल थे, डेफ्टली यानी योग्य थे, और जो जन सामान्य की यादों में बस गए, एस्ड यानी यादों में बस जाना। ही क्वाइट सक्सेसफुली रिक्रिएटेड द मूड एंड मैनर ऑफ द देवदासीज इन अर्ली 20th सेंचुरी, तो 20वीं शताब्दी की शुरुआत में जो देवदासी प्रथा होती थी, जो मंदिरों में स्त्रियां नाच गान करती थी, उनकी स्थिति को, उनके मूड को और उनके मैनर को उन्होंने बहुत अच्छी तरह से लोगों को दर्शाया था फिल्म के द्वारा। ही वॉज एन अमेजिंग एक्टर, वो एक बहुत शानदार एक्टर थे। ही नेवर aspired टू डू लीड roles, वो कोई बहुत बड़े रोल करने के लिए इच्छुक नहीं थे, बट वट एवर सब्साइडरी रोल्स ही प्लेड, लेकिन जो भी उन्होंने छोटे मोटे रोल अदा करे, जो भी छोटे मोटे रोल उनको मिले जो उन्होंने अदा करे, इन एनी वे ऑफ द फिल्म्स, इन एनी ऑफ द फिल्म्स, किसी भी फिल्म में ही परफॉर्म बेटर देन द सपोज्ड मेन प्लेयर्स, तो उन्हें वो जो मेन प्लेयर्स थे, मेन एक्टर एक्ट्रेस थे, उनसे भी वो अच्छा परफॉर्म करते थे। ही हैड ए जेन्युइन लव फॉर एनीवन ही केम अक्रॉस, जो भी उनको
उन जो जिसका भी उनसे सामना होता था उसके प्रति उनमें एक बहुत सच्चा प्रेम होता था, एंड इज हाउस वाज परमानेंट रेजिडेंस फॉर डजन्स ऑफ नियर एंड फार रिलेशंस। और उनका जो घर था वो एक तरह से परमानेंट अड्डा था लोगों का, सैकड़ों उनके जो जान पहचान वाले थे, उनके नाते रिश्तेदार और एक्वेंटेंस जान पहचान के लोग वहां पे जमे रहते थे। इट सीम्ड अगेंस्ट सुबू'स नेचर टू बी इवन कॉन्सियस दैट ही वॉज फीडिंग एंड सपोर्टिंग सो मैनी ऑफ देम। और उनकी नेचर में नहीं था कि वो इस बात को सोचें कि वो उनको भोजन खिला रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, बस वो इसको अपना दायित्व मानते थे। सच ए चैरिटेबल एंड इम्प्रोविडेंट मैन, है ना, इस प्रकार के वो चैरिटेबल यानी दूसरों के प्रति क्या करने वाले, दया करने वाले, है ना, और इम्प्रोविडेंट का मतलब ज्यादा सोच विचार नहीं करने वाले, है ना, ऐसे व्यक्ति थे वो। एंड येट ही हैड एनिमीज, लेकिन फिर भी ऐसा होने के बावजूद भी उनके दुश्मन थे। वॉज इट बिकॉज ही सीम्ड सो क्लोज एंड इंटीमेट विद द बॉस। अब इसके क्या कारण हो सकते हैं कि वो ये जो बॉस थे एस एस वासन, उनके वो बहुत नजदीक थे, है ना, और उनको बहुत प्रिय थे, ये कारण हो सकता है। और वॉज इट हिज जनरल डिमीनर, या उनका जो एक सामान्य व्यवहार था, है ना, जो उनका सामान्य आचरण था, डिमीनर जो था उनका, दैट रिसेम्बल्ड ए साइकोफेंट, जो किसको रिसेम्बल, किससे मिलता जुलता था, एक ऐसे व्यक्ति से जो चापलूसी करता हो, यानी ऐसा लगता था लोगों को कि इनका व्यवहार कैसा है, चापलूसी करने वाला है। तो इस वजह से वो लोगों के लोग उनसे दुश्मनी पाल लेते थे, है ना। और या हिज रेडीनेस टू से नाइस थिंग्स अबाउट एवरीथिंग, वो हर व्यक्ति के प्रति अच्छे बोल बोलते थे ना, या ये कारण है उनके प्रति दुश्मनी का। इन एनी केस, किसी भी चाहे कुछ भी हो, इन एनी केस चाहे कुछ भी हो, देयर वाज दिस मैन इन द मेकअप डिपार्टमेंट, यही व्यक्ति जो था मेकअप डिपार्टमेंट में, हु वुड विश द डायरेस्ट थिंग्स फॉर सुबू। अब ये कौन मैन है, वही ऑफिस बॉय जो सुबू के लिए अच्छी यादें, अच्छी चीजें नहीं सोचता था। You saw Subbu always with the boss, but in the attendance roles, आप हमेशा Subbu को किसके पास पाते थे, बॉस के पास, है ना, लेकिन जो उनका हाजिरी रजिस्टर था उसमें उनका नाम, he was grouped under a department of called the story department, है ना, लेकिन उनका नाम attendance register में किस में लिखा हुआ था, story department में, अर्थात वो बॉस के इतने नजदीक होने के बावजूद भी उनको सामान्य कहलाना और बर्ताव करना पसंद था, यानी ज्यादा वो अपने आप को इंपॉर्टेंट दिखाना नहीं चाहते थे। और उसमें कौन कौन थे, कंप्राइजिंग ए लॉयर, एक वकील था, एंड एन असेंबली ऑफ राइटर्स एंड पोएट्स। और उसमें उस स्टोरी डिपार्टमेंट में कौन कौन थे, यानी एक तो सुबू का हो गया अटेंडेंस रजिस्टर में नाम, एक लॉयर थे, एक वकील थे, और बहुत सारे पोएट्स की असेंबली थी, है ना, राइटर्स की और पोएट्स की, बहुत सारे कवि और लेखक थे। द लॉयर वॉज वेरी ऑफिशियली नोन एज द लीगल एडवाइजर, और वो जो लॉयर था उसको ऑफिशियली क्या बोला जाता था, कानूनी सलाहकार बोला जाता था, बट एवरीबडी रेफर टू हिम एज द अपोजिट, लेकिन हर व्यक्ति उनको उल्टा बोलता था कि ये जो है ना कानूनी सलाहकार नहीं है, ये उल्टी सलाह देने वाला है, ये सीधी सलाह देने वाला नहीं है, कैसा है ये व्यक्ति, उल्टी सलाह देने वाला है। अब एक घटना वर्णन कर रहे हैं इसमें कि एक बार एन एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक्ट्रेस, एक बहुत ज्यादा टैलेंटेड एक्ट्रेस थी, है ना, हीरोइन थी, हु वाज आल्सो एक्सट्रीमली टेम्परामेंटल, हालांकि वो थोड़ी सी, और वो कैसी थी, टेम्परामेंटल थी, यानी बहुत जल्दी उसका मूड स्विंग हो जाता था, मूड उसका बदल जाता था। वंस ब्लू ओवर द सेट्स, एक बार उसको एक्टिंग करने के दौरान सेट पे उसको गुस्सा आ गया, क्या आ गया उसको, उस एक्ट्रेस को गुस्सा आ गया। वाइल एवरीवन स्टूड स्टंट, जब हर व्यक्ति बिल्कुल शांत था, है ना, उसको देख रहा था उसके गुस्से को, द लायर क्विकली स्विच्ड ऑन द रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट, तो उस वकील महाशय ने क्या कर दिया, रिकॉर्डिंग का बटन दबा दिया। When the actress paused, जब actress रुकी for the breath, सांस लेने के लिए, है ना, जब उसने थोड़ा सा उसका गुस्सा शांत हुआ, तो lawyers, the lawyer said to her, तो वो वकील उससे बोला, one minute please, एक मिनट रुकिए प्लीज, एंड प्लेड बैक द रिकॉर्डिंग, और उसने रिकॉर्डिंग चला दी, जो उसने रिकॉर्ड किया था वो उसने रिकॉर्डिंग क्या कर दी, चला दी उसने। There was nothing incriminating, अब उसमें कुछ ऐसा नहीं था, कोई इंक्रिमिनेटिंग नहीं था उसमें कि किसी को गिल्ट फील हो, ऐसा कुछ बुरा उसने कहा नहीं था, उसको गुस्सा आया था, है ना, और अनमेंशनेबली फाउल, ऐसा कुछ गलत भी नहीं था जो फाउल हो, है ना। अबाउट द एक्ट्रेस
टाइरेड अगेंस्ट द प्रोड्यूसर, है ना, जो उस एक्ट्रेस ने जो स्पीच दिया था, वो जो भाषण दिया था उसने उस गुस्से में, वो ऐसा नहीं था कि वो कोई उस प्रोड्यूसर के खिलाफ वो बोली हो, लेकिन बट वेन सी हर्ड हर वॉइस अगेन थ्रू द साउंड इक्विपमेंट, लेकिन जब उसने अपनी साउंड इक्विपमेंट अपनी आवाज़ देखी, सी वाज स्ट्रक डम, तो वो भौंचक्की रह गई। ए गर्ल फ्रॉम द कंट्री साइड, अब वो बेचारी कैसी थी, गांव की रहने वाली थी, सी हैड नॉट गॉन थ्रू ऑल द स्टेजेस ऑफ वर्ल्डली एक्सपीरियंस, उसे संसार की ज़्यादा अनुभव नहीं था, दैट जनरली प्रिसीड ए पोजिशन ऑफ इंपॉर्टेंस, जो कि एक इंपॉर्टेंट पोजिशन प्राप्त होने से पहले लोगों को संसार का अनुभव मिलता, उसको ऐसा अनुभव नहीं था, एंड सोफिस्टिकेशन दैट सी हैड फाउंड हरसेल्फ कैटापल्टेड इनटू, है ना, कैटापल्ट का मतलब होता है उसको एक ऐसी स्थिति में धकेल दिया उस लॉयर ने जो वो बेचारी सहन नहीं कर पाई, है ना, सी नेवर क्वाइट रिकवर्ड फ्रॉम द टेरर सी फेल्ट दैट डे, तो उस दिन उस बेचारी उस एक्ट्रेस ने जितना टेरर झेला उसको वो कभी नहीं भूल पाई अपनी जिंदगी में, दैट वॉज द एंड ऑफ ए ब्रीफ ऑफ ब्रिलियंट एक्टिंग कैरियर, है ना, और उसके छोटे से और ब्रिलियंट कैरियर का क्या हो गया, एंड हो गया, है ना। द लीगल एडवाइजर हु वॉज ऑल्सो ए मेंबर ऑफ स्टोरी डिपार्टमेंट हैड अनविटिंगली ब्रॉट अबाउट दैट सैड एंड, और वो जो लीगल एडवाइजर था जो कि स्टोरी डिपार्टमेंट का एक सदस्य था, उसने हालांकि ऐसा जानबूझ के नहीं किया, बस उसने बस ही कर दिया, उसे जस्ट एक हो गया उससे ये, है ना, और उस बिचारी का क्या हो गया, एक सैड एंड हो गया। व्हाइल एवरी अदर मेंबर ऑफ द डिपार्टमेंट वोर ए काइंड ऑफ यूनिफॉर्म, अब लेखक कह रहे हैं कि अन्य जो स्टोरी डिपार्टमेंट था उसके अन्य सब लोग एक विशेष प्रकार की यूनिफॉर्म पहनते थे, खादी धोती पहनते थे, स्लाइटली ओवरसाइज्ड एंड क्लम्सली टेलर्ड वाइट खादी शर्ट, और थोड़ी सी ऐसी ढीली ढाली सिली हुई, है ना, ओवरसाइज की, बड़े साइज की, है ना, एक क्या पहनते थे, खादी की शर्ट पहनते थे, लेकिन द लीगल एडवाइजर बोर्ड वोर पैंट्स एंड टाई, लेकिन जो वो जो वकील महाराज थे, है ना, वो क्या पहनते थे, है ना, लीगल एडवाइजर थे वो पैंट पहनते थे और टाई पहनते थे, है ना, एंड समवन ए कोट, समटाइम्स ए कोट, और कभी कभी एक ऐसा कोट पहनते थे दैट लुक्ड लाइक ए कोट ऑफ मेल, है ना, एक ऐसा लगता था जैसे वो सेना में होते हैं ना जो सिपाही होते हैं वो लोहे का जैकेट पहन लेते हैं जिससे कि सामने वाले का कोई हथियार उनके बॉडी को क्या नहीं कर पाए, भेद नहीं पाए, छेद नहीं कर पाए उसमें, तो ऐसा पहनते थे वो। Often he looked alone, अक्सर वो उन्हें अकेला देखा जाता क्योंकि पटती नहीं थी उनकी किसी से, and helpless, और असहाय स्थिति में उन्हें देखा जाता था। A man of cold logic, और व्यक्ति कैसा था, ठंडा लॉजिक देता था हर चीज में तर्क करता था, है ना, इन ए क्राउड ऑफ ड्रीमर्स, और वो किन लोगों के बीच में था, एक ऐसी भीड़ जो सपने देखती थी, और वो सपने कौन देखते थे, वही कवि और जो लेखक थे वो, इन न्यूट्रल मैन इन असेंबली ऑफ गांधीट्स एंड खादीट्स, है ना, और वो एक तरह से न्यूट्रल व्यक्ति थे ना, उन सब में कुछ पार्टिसिपेट कर ही नहीं पाते, और वो जो बाकी जो गैंग थी लेखकों की कवियों की वो सब गांधीवादी थे और खादी पहनते थे। लाइक सो मैनी दोज हु वर क्लोज टू द बॉस, है ना, ही वॉज अलाउड टू प्रोड्यूस ए फिल्म, जिस प्रकार से जो बॉस थे, है ना, एसएस वासन, उनके अन्य जो नजदीकी लोग थे उन्हीं की तरह इनको भी एक फिल्म का मौका दिया गया। ही वॉज अलाउड टू प्रोड्यूस ए फिल्म, कि भाई तुम भी फिल्म प्रोड्यूस करो, है ना, फिल्म बनाओ। दो ए लॉट ऑफ रॉ स्टॉक एंड पैनकेक वर यूज्ड, अब जो उन लीगल एडवाइजर ने जो फिल्म बनाई उसमें खूब सारा उन्होंने रॉ स्टॉक काम में लिया, पैनकेक काम में लिया, लेकिन फिर भी इट नॉट केम टू द फिल्म, है ना, Not much came to the film, लेकिन वो फिल्म ज़्यादा सफल नहीं हुई, फ्लॉप हो गई। Then one day, फिर एक दिन, boss closed down the story department, boss ने story department बंद कर दिया, and this was perhaps the only instance, और ये एक अकेली ऐसी घटना थी in all human history, मानवीय इतिहास में, where a lawyer lost his job, है ना, जहाँ पे एक lawyer की job खो गई हो, because the poets were asked to go home, क्योंकि किसको घर जाने के लिए बोला जा रहा था, कवियों को बोला जा रहा था, लेकिन कवियों के साथ किसकी जॉब भी चली गई, एक लॉयर की जॉब भी चली गई। जेमी स्टूडियोज वाज द फेवरेट हॉन्ट ऑफ, हॉन्ट का मतलब स्थान, लिविंग स्पेस, है ना, जहां पर रहते हों वो या ज्यादा आते जाते हों, तो जेमी स्टूडियो एक फेवरेट स्थान था किन के लिए, पोइट्स के लिए, और उनमें कौन कौन पोइट्स थे, एस डी एस योगियार, सेंगू सुब्रमण्यम,
कृष्णा शास्त्री, ये बड़े बड़े पोइट्स हैं, ये लोग जेमिनी स्टूडियो में आते थे, है ना। हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, इट हैड एन एक्सलेंट मेस, जेमिनी स्टूडियो की एक बड़ी सी शानदार कैंटीन थी, विच सप्लाइड फूड गुड कॉफी, जो कि एक बड़ी शानदार कॉफी वहां पे मिलती थी एट ऑल टाइम्स ऑफ द डे, दिन में पूरे टाइम मर्जी है जितनी कॉफी पियो, एंड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द नाइट, और रात्रि को भी अधिकांश, यानी कोई ये मान चलो कि 2-3 बजे जाके बंद होती होगी, ऐसे ऐसे समझ सकते हो आप इसको। दोज वर द डेज वेन कांग्रेस रूल मीन प्रोहिबिशन एंड मीटिंग ओवर ए कप ऑफ कॉफी वॉज रादर सेटिस्फाइंग एंटरटेनमेंट। उन दिनों कांग्रेस, 1940 के करीब की बात है ना, तो उन्होंने जो कांग्रेस की जो पार्टी थी उसका रूल का मतलब क्या होता था, बहिष्कार करना, क्योंकि उस समय जो स्वदेशी अपनाओ और विदेशी का क्या करो, बहिष्कार करो, ऐसी मीटिंग्स होती रहती थी और लोग कॉफी पीते थे और उस पर इस तरह की चर्चाएं करते थे, तो इस तरह से बड़ा एक शानदार अनुभव होता था और एंटरटेनमेंट भी होता था। बारिंग द ऑफिस बॉयज एंड ए कपल ऑफ क्लर्क्स, छोड़कर किसको छोड़कर, सिर्फ ऑफिस बॉय को छोड़ दो, जो ऑफिस बॉयज थे पियोन्स थे उनको छोड़ दो और कुछ क्लर्क्स को छोड़ दो, उनके अलावा एवरीबडी एल्स एट द स्टूडियोज, हर व्यक्ति ऑफिस में रेडिएटेड लेजर, बड़ा आनंद में रहता था, बड़े फुर्सत में दिखते थे सब लोग, ए प्री रिक्विजिट फॉर पोएट्री, और ऐसा माना जाता था कि ये जो फुर्सत है यही कविता लिखने के लिए एक अति आवश्यक चीज है। मोस्ट ऑफ देम वो खादी, उनमें से अधिकांश लोग जो ये राइटर्स थे पोइट्स थे ये सब क्या पहनते थे, खादी पहनते थे, एंड वर्शिप्ड गांधी जी, और गांधी जी की पूजा करते थे, बट बियॉन्ड दैट, लेकिन उसके आगे दे हैड नॉट द फेंटेस्ट अप्रिसिएशन फॉर पॉलिटिकल थॉट, आगे जाके और कोई राजनीति से इनका लेना देना नहीं था, बस गांधी जी को ये मानते थे ऑफ एनी काइंड, आगे की राजनीति से इनको कोई लेना देना नहीं था। नेचुरली दे वर ऑल अवर्स टू द टर्म कम्युनिज्म, है ना। अब इसमें बताया गया है कि प्राकृतिक रूप से, है ना, वो सब लोग खिलाफ थे, अपोजिट थे किसके, कम्युनिज्म के, साम्यवाद के, है ना, एक राजनीतिक विचारधारा होती है ये कम्युनिस्ट पार्टी, साम्यवादी पार्टी, उस तरह से जैसे चाइना में कम्युनिज्म है इस समय, ठीक है ना। तो ये एक विशेष प्रकार की राजनीतिक विचारधारा है। एक कम्युनिस्ट वाज ए गॉडलेस मैन, अब ये लोग ऐसा मानते थे जर्मनी स्टूडियो में जो लोग थे कि जो कम्युनिस्ट होता है कोई व्यक्ति, जो साम्यवादी व्यक्ति होता है, वो उसका कोई भगवान नहीं होता उसका। ही हैड नो फिलियल और कॉन्जुगल लव, उसमें कोई भाईचारा नहीं होता, कोई भाईचारे का प्रेम भी नहीं होता। ही हैड नो कंपंक्शन अबाउट किलिंग हिज ओन पेरेंट्स और हिज चिल्ड्रन, चाहे वो भले ही अपने माता पिता को मार दे, अपने बच्चों को मार दे, फिर भी उसको गिल्ट नहीं फील होती। ही वॉज ऑलवेज आउट टू कॉज एंड स्प्रेड अनरेस्ट एंड वायलेंस अमोंग इनोसेंट एंड इग्नोरेंट पीपुल, और इन लोगों का क्या काम होता है, हमेशा कारण बनते हैं और फैलाते हैं ये, है ना, अराजकता फैलाते हैं, हिंसा फैलाते हैं निर्दोष लोगों के बीच, और जो अज्ञानी लोग होते हैं जिन्हें ज्यादा पढ़े लिखे समझदार नहीं होते हैं, उन लोगों को ये बहका के ऐसे काम कराते हैं, ऐसी इनके बारे में मान्यता थी। किन लोगों के बारे में, कम्युनिस्ट लोगों के बारे में, साम्यवादी लोगों के बारे में। सच नोशंस विच प्रिवेल्ड एवरीवेयर एल्स इन साउथ इंडिया एट दैट टाइम ऑल्सो नेचुरली फ्लोटेड अबाउट वेगली अमोंग द खादी क्लैड पोएट्स ऑफ जेमिनी स्टूडियो, तो इस तरह की जो विचारधारा थी वो पूरे साउथ इंडिया में प्रचलित थी, कम्युनिस्ट्स के बारे में इस तरह की भावनाएं लोगों के मन मस्तिष्क में थी। तो यही चीज प्राकृतिक रूप से क्या होगी, वहां पे जो खादी पहनते थे कवि लेखक जेमिनी स्टूडियो में, तो उनके भी ऐसे ही विचार थे। एविडेंस ऑफ इट वॉज सून फोर्थ कमिंग, अब लेखक कह रहे हैं कि इसकी जो एविडेंस है, इसका जो सबूत है, वो जल्दी ही आने वाला था, अगली घटना में इसका सबूत भी बताया गया है। वेन फ्रैंक ब्रुचमैन्स मोरल रीआर्मामेंट आर्मी, है ना, अब ये की एक व्यक्ति है फ्रेंच ब्रुचमैन, इन्होंने एक संगठन बनाया था जिसका नाम था मोरल रीआर्मामेंट आर्मी, MRA, सम 200 स्ट्रॉन्ग, इसमें लगभग 200 ना हट्टे कट्टे लोग थे, जवान लोग थे इसमें। विजिटेड मद्रास, उन्होंने मद्रास का विजिट किया समटाइम्स इन 1952, 1952 के करीब। दे कुड नॉट हैव फाउंड ए वार्मर होस्ट इन इंडिया देन द जेमिनी स्टूडियो, अब उन्हें जेमिनी स्टूडियो से अच्छा कोई होस्ट नहीं मिला, है ना, होस्ट का मतलब जो अपने उनको वहां ठहरा ले। समवन कॉल्ड द ग्रुप एन इंटरनेशनल सर्कस, कोई व्यक्ति ने कहा कि ये जो 200 लोगों का
जो एम आर है, मोरल रीआर्मेंट आर्मी, ये एक इंटरनेशनल सर्कस है एक तरह से। वो लोग ड्रामा करते थे, क्या करते थे वो, ड्रामा करते थे। 200 लोग जो थे वो, है ना, बहुत बड़ा उनका सेटअप था। दे वर नॉट वेरी गुड ऑन द ट्रेपीज एंड देयर एक्वेंटेंसेज वर विद एनिमल्स वाज ओनली एट द डिनर टेबल। अब लेखक कह रहे हैं कि कुछ लोग क्या कह सकते थे इनको कि ये इंटरनेशनल सर्कस था जो 200 लोगों का था, लेकिन वो जैसे सर्कस में कलाएं दिखाई जाती हैं, ट्रेपीज जो होती हैं, है ना, जैसे वो रस्सियों पे कूदते हैं, उछलते हैं, ऊपर से गिरते हैं, है ना, ऐसी कला दिखाने में वो पारंगत नहीं थे, और ना ही जानवरों से उनकी कोई जान पहचान थी। जैसे सर्कस में तो जानवरों से कुछ भी काम करा लेते हैं, है ना, लेकिन उनकी जानवरों से कोई जान पहचान नहीं थी। बस वो तो जानवरों से कब मिलते थे, डिनर टेबल पे मिलते थे, अर्थात वो क्या थे, मांस खाते थे वो लोग, है ना, यानी नॉन वेज थे वो। बट दे प्रेजेंटेड टू प्लेस, लेकिन इन लोगों ने जो मोरल रीआर्मेंट आर्मी वाले जो 200 लोग थे, इन्होंने दो शानदार नाटक खेले इन ए मोस्ट प्रोफेशनल मैनर, बहुत ही व्यावसायिक तरीके से, बहुत ही परफेक्ट तरीके से। और उनके नाम क्या थे, दे आर जोथम वैली, है ना, उन एक तो था जोथम वैली, और दूसरा जो नाटक था वो था फॉरगॉटन फैक्टर। द फॉरगॉटन फैक्टर रैन सेवरल शोज इन मद्रास, उसके बहुत सारे शो इन्होंने मद्रास में करे, एंड अलॉन्ग विद अदर सिटीजन्स, और मद्रास के अन्य नागरिकों के अलावा, नागरिकों के साथ, है ना, जेमिनी फैमिली ऑफ 600, जेमिनी फैमिली, जेमिनी स्टूडियो के 600 लोगों ने द प्लेज ओवर एंड ओवर अगेन, बार बार ये दोनों प्लेज देखे। द मैसेज ऑफ द प्लेज वर यूजुअली प्लेन एंड सिंपल होमिलीज, है ना। अब इस नाटक, इन दोनों नाटकों के जो संदेश था वो बिल्कुल प्लेन और ऐसा सिंपल होमिलीज था। होमिलीज का मतलब होता है जो हर किसी की समझ में आ जाए, है ना। बट द सेट्स एंड द कस्टम्स वर फर्स्ट रेट, है ना, लेकिन उनका जो सेट था, है ना, जो सेट का मतलब होता है जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो लगाते थे, है ना, जो जिस प्रकार का वो मंच सजाते थे वो, और जो उनकी पोशाकें थी वो फर्स्ट रेट थी, फर्स्ट क्लास थी, देखने दिखाने लायक थी, है ना, बहुत ही एडमिरेबल थी। मद्रास एंड द तमिल ड्रामा कम्युनिटी, मद्रास और जो तमिल ड्रामा कम्युनिटी थी, है ना, वर टेरिबली इंप्रेस्ड, इनसे क्या हुए, वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुए इस मोरल रीआर्मामेंट आर्मी के नाटकों से। एंड फॉर सम ईयर्स ऑलमोस्ट ऑल तमिल प्लेज, और आगे कुछ वर्षों तक तो अधिकांश तमिल नाटकों में हैड ए सीन ऑफ सनराइज एंड सनसेट, उन दोनों में वही सनराइज और सनसेट का सीन होता था, इन द मैनर ऑफ जोथम वैली, जैसा कि उन्होंने एम आर ए वालों ने जोथम वैली में दर्शाया था। और उसमें क्या होता था, ए बेयर स्टेज, एक खाली स्टेज होती थी, सनराइज या सनसेट दिखाना होता था तो उस समय, ए वाइट बैकग्राउंड होता था, कर्टेन, व्हाइट बैकग्राउंड का एक कर्टेन होता था, और ट्यून बजती थी किसकी, बांसुरी की। तो उन्होंने ये चीजें कहां से ली, उस एम आर ए के दो नाटकों से ली। इट वाज सम इयर्स लेटर, कुछ वर्षों बाद मुझे पता चला, दैट आई लर्न, मुझे पता चला दैट द एम आर ए वाज ए काइंड ऑफ काउंटर मूवमेंट टू इंटरनेशनल कम्युनिज्म, कि ये जो एम आर ए के जो ड्रामा थे, ये एक तरह से जो अंतरराष्ट्रीय साम्यवाद है, इसको काउंटर करने का प्रयत्न था, इसको, इसकी कमियों को बताने का प्रयत्न था, इसकी सच्चाई को उजागर करने का प्रयत्न था। एंड द बिग बॉसेस ऑफ मद्रास, और मद्रास के जो बड़े बड़े लोग थे, जैसा कि मिस्टर बासन जो इनकी हेड थे इसके जेमिनी स्टूडियो के, सिंपली प्लेड इनटू देयर हैंड्स, बस वो इनका कारण बने, यानी उनके माध्यम से, इन मद्रास के बड़े बड़े लोगों के माध्यम से वो अपने प्लेज के द्वारा जनता को कम्युनिज्म की बुराइयों को बता रहे थे। आई एम नॉट श्योर, हालांकि मैं श्योर नहीं हूं, however, यद्यपि दैट दिस वॉज इंडीड द केस फॉर द अनचेंजेबल एस्पेक्ट ऑफ दीज बिग बॉसेज एंड देयर एंटरप्राइजेज रिमेन द सेम, एम आर ए और नो एम आर ए, इंटरनेशनल कम्युनिज्म और नो इंटरनेशनल कम्युनिज्म। अब कहने का मतलब ये है कि ये जो मोरल रीआर्मेंट आर्मी वाले आए और उन्होंने दो नाटक करे, तो उस समय तो इनके नाटकों का प्रभाव जो मद्रास के जो बड़े बड़े लोग थे उनके जीवन पे पड़ा, तो उन्होंने उसको पूरी तरह अपनाया भी, और फिर बाद में वो अपने सहज स्वभाव में भी चलते रहे, है ना, यानी वो कुछ दिनों तक उनका वो प्रभाव रहा, उसके बाद फिर वो नॉर्मल अपनी स्थिति में आ गए। द स्टाफ ऑफ जेमिनी स्टूडियोज हैड ए नाइस टाइम होस्टिंग 200 पीपल ऑफ ऑल ह्यूज एंड साइजेस, है ना, तो जो जेमिनी स्टूडियो का जो स्टाफ था 600 लोगों का, उन्होंने बड़ी मजे करे, उन्होंने
इस दौरान जब 200 लोगों को उन्होंने क्या किया, आतिथ्य प्रदान किया उन्होंने एमआरए के जो 200 लोग थे। और वो 200 लोग कैसे थे, ऑल ह्यूज एंड साइजेस, अलग अलग रंगों के थे क्योंकि वो अलग अलग देशों से थे, है ना, और अलग अलग साइजेस के थे, ऑफ एटलीस्ट 20 नेशनलिटीज, है ना। कितने देशों से लोग थे उसमें, 20 देशों के लोग थे। इट वॉज सच ए चेंज फ्रॉम द यूजुअल कलेक्शन ऑफ क्राउड प्लेयर्स वेटिंग टू बी स्लैप्ड विद द थिक लेयर्स ऑफ मेकअप बाय द ऑफिस बॉय इन द मेकअप डिपार्टमेंट, है ना। तो एक तरह से जो पहले क्या होता था, बस वही मेकअप करो, क्राउड के मेकअप कराओ और फिर वही फिल्म शूटिंग करो, उससे एक तरह से ये अलग हटके उनके लिए एक एक्सपीरियंस था। तो उन जेमिनी स्टूडियो के सब लोगों ने इसको बहुत एंजॉय किया। ए फ्यू मंथ लेटर, कुछ महीनों बाद, द टेलीफोन लाइन्स ऑफ बिग बॉसेज ऑफ मद्रास बज्ड, जो मद्रास के जो बड़े बड़े लोग थे उनकी टेलीफोन की घंटियां बज उठी। एंड वंस अगेन, और एक बार फिर, वी एट जेमिनी स्टूडियो, हम जेमिनी स्टूडियो के लोग, क्लियर्ड ए होल शूटिंग स्टेज, हमने एक पूरी की पूरी शूटिंग स्टेज खाली कर दी टू वेलकम अनदर विजिटर, एक दूसरे विजिटर का वेलकम करने के लिए, एक दूसरा व्यक्ति आने वाला है यहाँ। ऑल दे सेड वाज दैट ही वाज ए पोएट फ्रॉम इंग्लैंड, बस इतना पता था लोगों को कि वो एक इंग्लैंड के लेखक, एक इंग्लैंड के कवि हैं। द ओनली पोएट्स फ्रॉम इंग्लैंड द सिंपल जेमिनी स्टाफ न्यू, अब जेमिनी स्टाफ जो था वो सिर्फ इंग्लैंड के किन किन बहुत कम पोएट्स को जानता था या जिन्होंने के बारे में उन्होंने सुना था, वो कौन कौन लोग थे, जैसे वर्ड्सवर्थ हो सकता है, टेनिसन हो सकता है, इन लोगों के नाम तो उन्होंने सुने थे, है ना। मोर लिटरेट वंस न्यू द कीट्स, और जो थोड़ा और ज्यादा पढ़े लिखे थे उनको कीट्स के बारे में पता था, कीट्स सैली एंड बायरन के बारे में पता था। एंड वन और टू, और एक इक्का दुक्का लोगों को माइट हैव फेंटली कम टू नो ऑफ समवन बाय नेम इलियट, और एक दो लोगों को हल्का फुल्का आइडिया किसके बारे में था, इलियट के बारे में था। तो ये जो पोइट्स थे इनके बारे में तो लोगों को जानकारी थी, जो जेमिनी स्टूडियो के लोग थे उनको। लेकिन हु वाज द पोइट विजिटिंग द जेमिनी स्टूडियो नाउ, लेकिन भाई अब कौन विजिट करने वाला है ना, अब कौन विजिट करने वाला है, तो ऐसे वो अंदाजा लगा रहे हैं। He is not a poet, he is an editor. वो poet नहीं है बल्कि वो एक क्या है, editor है। Editor किसको बोलते हैं, संपादक को बोलते हैं, है ना, जो कोई newspaper का हो सकता है, किसी magazine का हो सकता है। That is why, यही कारण था, the boss is giving him a big reception, कि यही कारण है कि जो हमारे boss हैं SS Vasan उसको एक बड़ा शानदार reception दे रहे हैं। Vasan was also a editor of the popular Tamil weekly Anand Vikatan, क्योंकि Vasan खुद तमिल वीकली, है ना, तमिल एक साप्ताहिक एक पत्रिका थी आनंद विघटन, उसके खुद वो एडिटर थे, तो इसलिए एडिटर एक दूसरे एडिटर को क्या दे रहा था, एक शानदार रिसेप्शन दे रहा था। ही वॉज नॉट द एडिटर ऑफ एनी ऑफ द नोन नेम्स ऑफ ब्रिटिश पब्लिकेशन इन मैड्रॉस, दैट इज दोज नोन एट द जेमिनी स्टूडियोज, है ना। तो जो मद्रास के अंदर जो ब्रिटिश पब्लिकेशन थे, है ना, उनमें से वो किसी, यानी जिन जिन पब्लिकेशंस के अखबार आते थे या मैगजीन्स आती थी मद्रास के अंदर, उनमें से वो कोई भी नहीं थे। सिंस द टॉप मैन ऑफ द हिंदू वर टेकिंग द इनिशिएटिव, है ना, अब ये द हिंदू एक अखबार है साउथ इंडिया का, इंग्लिश का अखबार है, तो चूंकि जो बड़े लोग थे टॉप इसके द हिंदू के, जो बड़े उच्च लेवल के जो अधिकारी थे वो इसमें पार्ट ले रहे थे, इनिशिएटिव ले रहे थे। द सरमाइज वाज दैट द पोइट वाज द एडिटर ऑफ ए डेली, तो ऐसा लोगों को सरमाइज था, है ना, ऐसा लोग अंदाजा लगा रहे थे कि भाई ये जो है, ये व्यक्ति क्या हो सकता है, किसी डेली का एडिटर हो सकता है, किसी डेली निकलने वाली मैगजीन का या अखबार का क्या हो सकता है, ये एडिटर हो सकता है ना, ऐसा वो अंदाजा लगा रहे थे, शंका कर रहे थे, अंदाजा लगा रहे थे, गैस कर रहे थे। बट नॉट फ्रॉम द मैनचेस्टर गार्डियन और द लंडन टाइम्स, लेकिन वो ये भी कह रहे थे कि ये एडिटर ना तो मैनचेस्टर गार्डियन, देखो ये भी क्या है, एक पत्रिका है, और लंडन टाइम्स भी क्या है, एक पत्रिका है, कि जो व्यक्ति आ रहा है वो ना तो मैनचेस्टर गार्डियन का है और ना ही वो किसका है, लंडन टाइम्स का है। तो बड़ी शंका का माहौल सब में बना हुआ है, वो जान नहीं पा रहे कि आखिर आ रहा है तो कौन आ रहा है। That was all. That even the most well informed among us know. बस हम में से जिनको भी ज्यादा से ज्यादा जानकारी थी, बस उन लोगों को भी सिर्फ इतना सा ही पता था। At last, अंत में, अराउंड 4 इन द आफ्टरनून, लगभग 4 बजे के करीब, द पोइट और द एडिटर, जिसको पोइट कह दो या एडिटर कह दो, अराइव्ड, पहुंचे।
ही वाज ए टॉल मैन, बड़े लंबे व्यक्ति थे, वेरी इंग्लिश, बहुत ही इंग्लिश बोलने वाले और इंग्लिश दिखने जैसे, वेरी सीरियस और बड़े गंभीर प्रकृति के थे, एंड ऑफकोर्स वेरी अननोन टू ऑल ऑफ अस, और वो हम में से किसी से परिचित नहीं थे, हमने कभी उनको देखा नहीं था. बैटलिंग विद हाफ ए डजन पेडेस्टल फैंस ऑन द शूटिंग स्टेज. अब उस जमाने में एसी तो हुआ नहीं करते थे, है ना, तो जो शूटिंग स्टेज था उसमें, और चेन्नई में तो वैसे ही गर्मी बहुत पड़ती है ना, तो वहाँ हवा करने के लिए क्या लगे थे, दर्जनों पेडेस्टल फैन लगे थे, खड़े वाले जो पंखे होते हैं. अब उनकी भयंकर आवाज़ होती है, तो एक तरह से जो बॉस थे एस एस वासन, वो अपना जो भाषण पढ़ रहे थे, तो एक तरह से वो संघर्ष कर रहे थे अपनी आवाज़ को पहुँचाने के, और उस जमाने में हो सकता है माइक भी इतने अच्छे नहीं होते होंगे. द बॉस रेड आउट ए लॉन्ग स्पीच. बॉस ने, हमारे जो बॉस थे, उन्होंने एक लंबा भाषण पढ़ा, जो एस एस वासन थे उन्होंने एक लंबा भाषण पढ़ा. इट वॉज ओबियस दैट ही टू न्यू प्रीसियस लिटिल अबाउट द पोइट. ऐसा ये स्पष्ट था कि उनको भी उस पोइट के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, या उस एडिटर के बारे में ज़्यादा जानकारी उनको, अब उनको ये नहीं पता कि वो पोइट है कि एडिटर है ना. द स्पीच वॉज ऑल इन मोस्ट जनरल टर्म्स. अब जो एस एस वासन ने जो स्पीच दिया, उनका वेलकम स्पीच, उस बस वो एक मोटी मोटी बातें उसमें बताई उन्होंने, बट हेयर एंड देयर, लेकिन यदा कदा उसमें वो बीच बीच में प्रयोग कर रहे थे, इट वॉज पेपर्ड विद, उसमें छिड़के हुए थे विद द वर्ड्स लाइक फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी. उसमें छिड़कने का मतलब बीच बीच में ये शब्द आ जाते थे, फ्रीडम, स्वतंत्रता, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र. देन द पोइट स्पोक. अब पोइट का नंबर आ गया बोलने का. ही कुड नॉट हैव अड्रेस्ड ए मोर डेज्ड एंड साइलेंट ऑडियंस. अब ये कह रहे हैं कि उसने आज तक ऐसी चुप और ऐसी शिथिल, है ना, बिल्कुल कोई इंटरेस्ट ही नहीं है किसी को, ऐसी ऑडियंस उस पोइट ने या उस एडिटर ने आज तक अपने जीवन में संबोधित नहीं की होगी. ऐसा लग रहा था कि सब क्या ले रहे हैं, है ना, सो रहे हैं या बिल्कुल चुप हैं. अब वो कारण क्या है कि वो किसी को समझ में नहीं आ रहा वो क्या कह रहा है ना. नो वन न्यू, कोई नहीं जानता था वॉट ही वॉज टॉकिंग अबाउट, कि ये व्यक्ति किसके बारे में बोल रहा है. एंड हिज एक्सेंट डिफीटेड एनी अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड वॉट ही वॉज सेइंग. और जो उनका बोलने का एक्सेंट था, अलग तरह से बोलते हैं ना, बोलने का जो हाव हाव था वो भी कैसा था, बट बिल्कुल भिन्न भिन्न था, तो इसलिए कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये कह क्या रहे हैं. द होल थिंग लास्टेड अबाउट एन आवर, ये सब एक घंटे तक चला. देन द पोएट लेफ्ट द लेफ्ट एंड वी ऑल डिस्पर्स्ड इन अपर अटर बेफलमेंट, है ना, तो पोएट वहां से चले गए वो, है ना, भाषण देके, और हम सब लोग वहां से खड़े हो गए, और कैसे बेफलमेंट, है ना, कंफ्यूज स्थिति में, यार बड़े पक गए आज तो. वॉट आर वी डूइंग, वॉट आर वी डूइंग, हम क्या कर रहे हैं. वॉट इज एन इंग्लिश पोइट डूइंग इन ए फिल्म स्टूडियो विच मेक्स तमिल फिल्म फॉर द सिंपलेस्ट सॉर्ट ऑफ पीपुल. अब लोग आपस में कह रहे हैं कि भाई ये यहाँ आया तो ये आया क्यों, है ना, हम तो क्या करते हैं, एक सामान्य तमिल जो लोग हैं, है ना, उनके लिए कुछ फिल्में बनाते हैं, सीधी सादी सी फिल्में बनाते हैं. अब ये भाई अंग्रेज आया है और पता नहीं क्या बोल रहा है, हमारी कुछ समझ में नहीं आया. People whose lives least affected them, people whose lives least afforded them the possibility of cultivating a taste for English poetry, है ना. अब ये कह रहे हैं कि ये बेचारे जो तमिल लोग हैं ये तो फिल्म ही नहीं देख पाते हैं, है ना, फिल्म देखना ही इनके लिए क्या है, बड़ा दुश्वार है, है ना, और इन लोगों को इंग्लिश पोइट्री अगर सुनाई जाए तो इनका कोई उद्देश्य सफल नहीं होता, यानी उनके लिए कोई टेस्ट की बात ये नहीं है. द पोइट लुकड प्रिटी बेफल्ड टू, है ना, और लग रहा था कि वो जो आया था पोइट आया था या वो जो एडिटर आया था वो भी कन्फ्यूज था कि यार क्या हुआ आज तो कुछ गड़बड़ी हो गई. फॉर ही टू मस्ट हैव फेल्ट, क्योंकि उसने भी महसूस कर लिया था द शीयर इनकॉन्ग्रुइटी ऑफ हिज टॉक अबाउट द थ्रिल्स एंड ट्रेवल्स ऑफ एन इंग्लिश पोइट, है ना. अब देखो जैसे वो व्यक्ति तो कोशिश तो कर रहा होगा कि भाई मैं जितना अच्छा इसको बोल सकूं, समझाऊं, हाव भाव भी बनाने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन जब सामने वाले को समझ ही नहीं आ रहा, है ना, तुम कितने भी एक्टिंग करो, कितने भी हाव भाव बनाओ, जब सामने वाले को समझ ही नहीं आ रहा तो वो रिस्पॉन्स करेंगे ही नहीं, ठीक है ना. द पोइट लुक्ड प्रिटी बेफल्ड टू, फॉर ही टू मस्ट हैव फेल्ट, उन्हें भी महसूस हो गया था द शीयर इनकॉन्ग्रुइटी ऑफ हिज टॉक, कि भाई जो उसने जो टॉक करी है ये सफल नहीं रही, है ना, अबाउट द थ्रिल्स एंड ट्रेवल्स ऑफ एन इंग्लिश पोइट, है ना, जो एक इंग्लिश जो पोइट होता है और वो जो थ्रिल्स पैदा करता है, ट्रेवल्स पैदा करता है, ठीक है ना, वो
इन लोगों में कुछ भी चीज उत्साह जगाने की सफलता नहीं मिली। हिज विजिट रिमेन्ड एन अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री, है ना। अब ये लेखक कह रहे हैं अशोकामित्रण के, उसकी जो विजिट थी उस व्यक्ति की, उस पोइट की, एडिटर की, जेमिनी स्टूडियो में, वो एक तरह से रहस्य बन के ही रह गई कि ये भाई कौन था, क्यों आया, कैसे है। द ग्रेट प्रोज राइटर्स ऑफ द वर्ल्ड मे नॉट एडमिट इट बट माई कन्विक्शन ग्रोज स्ट्रॉन्गर डे आफ्टर डे, है ना। अब लेखक कह रहे हैं कि जो संसार के महान निबंध लेखक हुए हैं, प्रोज का मतलब होता है ऐसे लिखना, है ना, ये हो सकता है इस बात को स्वीकार नहीं करें, लेकिन मेरा ये दृढ़ विश्वास है और ये दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, ये दृढ़ विश्वास पक्का होता जा रहा है, दैट प्रोज राइटिंग इज नॉट एंड कैन नॉट बी द ट्रू परस्यूट ऑफ ए जीनियस। कि ये जो प्रोज राइटिंग है ना, ये किसी जीनियस का काम नहीं है ना। जो कोई बहुत ही बुद्धिमान आदमी है या बहुत ही जीनियस है, उसका काम नहीं है ये, तो एक ऐसे व्यक्ति का काम है जो बिल्कुल कैसे हैं, लेजर से रहते हैं। लेजर का मतलब होता है बिल्कुल कोई ज्यादा टेंशन नहीं लेना, प्रकृति का आनंद लेना, हर घटना का आनंद लेना, उस तरह के लोगों के लिए ये है। इट इज फॉर द पेशेंट। अब इसमें बताया कि ये प्रोज किसके लिए है, कि इट इज फॉर द पेशेंट, ये धैर्यवान लोगों के लिए है, परसिस्टेंट जो लगातार अपने काम में लगे रहते हैं उन लोगों के लिए है, परसीवरिंग ड्रज विद ए हार्ट सो श्रंकन दैट नथिंग कैन ब्रेक इट, है ना। और ये उन लोगों का काम है जो परसिवियरिंग है, परसिंग मतलब हार ना मानने वाले हैं, है ना। कोई भी हल्का फुल्का काम दे दो, छोटा से छोटा काम, ड्रज, है ना, जो ऐसा कठोर हो लेकिन हल्का काम हो, उसमें भी ये हार मानने वाले नहीं है, उन लोगों के लिए ये काम है। और जिनका हार्ट कैसा हो, श्रृंखलित हो, यानी ज्यादा उछल कूद नहीं करता हो, है ना, ज्यादा बड़े बड़े ख्वाब नहीं रखते हों, वो दिल पे नहीं लेते हों, ऐसे लोगों के लिए है, जो दैट नथिंग कैन ब्रेक इट, यानी ये इनका जो दिल है वो किसी चीज से टूट नहीं सकता, यानी कोई चीज, है ना, इनको दुख दुखी नहीं कर सकती है ना। जैसे कहने का मतलब है किसी ने प्रोज लिखा, है ना, निबंध लिख के या कहानी लिख के भेजी, और उसने जो पत्रिका का एडिटर है उसने उसको स्वीकार नहीं किया, है ना, तो कोई दूसरा आदमी तो सोचेगा अरे यार, है ना, मेरा तो सब कुछ करा कराया। और उस जमाने में तो क्या होता था, हाथ से लिखनी पड़ती थी। तो ये एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो बार बार गिर गिर के फिर उठ खड़ा हो, हार नहीं माने, उन लोगों के लिए था। रिजेक्शन स्लिप्स डज नॉट मीन ए थिंग टू हिम, ये उन लोगों के लिए है जिनके लिए रिजेक्शन स्लिप, यानी ऐसा नोटिस, स्लिप का मतलब पर्ची, कि भाई आपका ये अस्वीकार किया जा रहा है, उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये उन लोगों के लिए। ही एट वंस सेट्स अबाउट मेकिंग ए फ्रेश कॉपी, और उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता और एकदम उठ खड़ा होता है वो, है ना, एकदम से वो उठ खड़ा होता है और उसकी नई कॉपी तैयार कर लेता है जो उसने लिख के भेजा था पहले उसकी, है ना। और ऑफ द लॉन्ग प्रोज पीस, जो अपना उसका लंबा सा प्रोज का पीस है उसको, एंड सेंड्स इट टू द अनोदर एडिटर, है ना, और दूसरे एडिटर के पास, संपादक के पास भेज देता है उसको, हार नहीं मानी ना उसने। एनक्लोजिंग पोस्टेज फॉर द रिटर्न ऑफ द मैन्यूस्क्रिप्ट, और वो यहां तक और करता है कि एक अलग से लिफाफा और भेजता है उसमें टिकट लगा के, कि भाई अगर मेरी पसंद नहीं आई तो इस लिफाफे में टिकट लगा हुआ है, इसमें डाल के वापस डाल देना, इसको मेरा एड्रेस लिखा हुआ है, आपको टिकट लगाने की भी जरूरत नहीं है, मेरा नहीं छापो तो कोई बात नहीं, मुझे लौटा जरूर देना। इट वॉज फॉर सच पीपुल, है ना, दैट द हिंदू हैड पब्लिश्ड, है ना, ऐसे ही लोगों के लिए, जैसे लोगों का अभी लेखक ने वर्णन किया है, ऐसे ही लोगों के लिए जो द हिंदू नाम का जो अखबार है उसमें एक खबर छपी, ए टाइनी अनाउंसमेंट, एक बहुत छोटा सा अनाउंसमेंट उसमें छपा, एडवर्टाइजमेंट उसमें छपा, इन एन इग्निफिकेंट इनसिग्निफिकेंट कॉर्नर ऑफ एन अनइम्पॉर्टेंट पेज। अब देखो जो अखबार होता है उसका फ्रंट पेज कितना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सबसे पहले उसी को ही पढ़ते हैं, बैक पेज भी इंपॉर्टेंट होता है ना, फिर जैसे जैसे अंदर जाते हैं तो फिर वो उसमें हल्की फुल्की न्यूज होती हैं, तो अनइम्पॉर्टेंट पेज पे इनसिग्निफिकेंट कॉर्नर, है ना, और अंदर भी जैसे ऊपर ही ऊपर है तो फिर भी पढ़ लेगा आदमी कोई, लेकिन अंदर ही अंदर के पेज पे और बिल्कुल नीचे नीचे लिखी है तो वो क्या हो गया, इनसिग्निफिकेंट पेज हो गया, अनइम्पॉर्टेंट पेज हो गया, उसका इनसिग्निफिकेंट कॉर्नर हो गया वो। तो ऐसी जगह पे उस हिंदू के अंदर एक न्यूज छपी थी कि भाई एक शॉर्ट स्टोरी कंटेस्ट आयोजित किया जा रहा है, किसके द्वारा, एक ब्रिटिश पीरियोडिकल के द्वारा, एक अंग्रेजी पत्रिका के द्वारा, जिसका नाम है द एनकाउंटर, और उसका नाम क्या है, द एनकाउंटर है। तो ये अशोकामित्रण ने पढ़ लिया उसके अंदर, द हिंदू के अंदर, तो इन्होंने सोचा कि चलो मैं आजमा के देखता हूं।
ऑफकोर्स द एनकाउंटर वॉज नॉट नोन कम्युनिटी अमोंग द जेमिनी लिटराटी, है ना। लिटराटी का मतलब क्या होता है, जो वहां का पढ़े लिखे लोग थे जेमिनी स्टूडियो के अंदर, तो उनमें ये जो द एनकाउंटर था इसके बारे में ज्यादा लोगों को जानकारी नहीं थी। आई वॉन्टेड टू गेट एन आइडिया, मैं उसके बारे में कुछ जानकारी करना चाह रहा था, ऑफ द पीरियडिकल, उस पीरियडिकल के बारे में, उस पत्रिका के बारे में। बिफोर आई स्पेंड ए कंसिडरेबल सम इन पोस्टेज, क्योंकि अब वो अपनी कहानी भेजेंगे, है ना, तो उनको क्या लगाना पड़ेगा, लिफाफे में बहुत सारा, विदेश जानी है वो, है ना, एनकाउंटर के इंग्लैंड जानी है, तो बहुत सारा उस पर टिकट लगाने पड़ेंगे, तो मैं अपना पैसा खर्च करूं उससे पहले थोड़ी जानकारी तो कर लूं कि ये कैसी पत्रिका है एनकाउंटर। तो लेखक ने ऐसा सोचा। बिफोर सेंडिंग ए मैन्यूस्क्रिप्ट, मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब होता है हाथ से लिखी हुई, क्योंकि उस जमाने में सब अपनी किससे लिखते थे, आजकल तो कंप्यूटर पर टाइप करा लेते हैं हम लोग, ठीक है ना, इस तरह से। टू इंग्लैंड इन दोज डेज, उन दिनों द ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी हैड एन एंट्रेंस, उन दिनों जो मद्रास के अंदर जो ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी थी उसका जो गेट था, एंट्रेंस गेट था, विद नो लॉन्ग वाइंडेड साइन बोर्ड्स, उस पर कोई साइन बोर्ड नहीं लगे हुए थे, एंड नोटिस, और ना ही कोई नोटिस लगे हुए थे, टू मेक यू फील, वो आपको ऐसा फील कराते थे, यू वर स्नीकिंग इन टू ए फॉरबिडन एरिया, कि आप कोई एक ऐसे स्थान में प्रवेश कर रहे हो जहां प्रवेश वर्जित है। एंड देयर वर कॉपीज ऑफ द एनकाउंटर, और वहां उस ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी में द एनकाउंटर की कॉपियां पड़ी हुई थी, उस पत्रिका की कॉपियां पड़ी हुई थी वहां, वेरियस डिग्रीज ऑफ फ्रेशनेस, है ना, ऐसा लग रहा था ऑलमोस्ट अनटच्ड बाय रीडर्स, है ना, बिल्कुल कोरी की कोरी रखी हुई थी, जैसे कि किसी ने हाथ ही नहीं इनको लगाया हो। When I read the editor's name, लेकिन जब मैंने एडिटर का नाम पढ़ा, उस द एनकाउंटर के एडिटर का मैंने नाम पढ़ा, आई हर्ड ए बेल रिंगिंग इन माई श्रंकन हर्ट, तो मेरे एकदम मेरे सिकुड़े हुए दिल में घंटी बजने लगी, है ना, कि अरे यार ये तो मैंने कहीं सुना है, देखा है ये वाला नाम तो, है ना। इट वॉज द पोइट हु हैड विजिटेड द जेमिनी स्टूडियो, ये वही पोइट है, यानी जो इसका एडिटर है एनकाउंटर का, द एनकाउंटर का, ये वही पोइट है जो जेमिनी स्टूडियो में विजिट करने आया था। I felt like I had found a long lost brother, मुझे तो ऐसा महसूस हुआ कि मेरा बचपन का बिछड़ा भाई मिल गया हो। And I sang as I sealed the envelope, और जब मैंने अपनी कहानी उस envelope लिफाफे के अंदर पैक करी और तो, है ना, उसको सील किया, तो मैं गाना गा रहा था, है ना, इतना खुश था और मैं गाना गा रहा था क्योंकि मैं उस व्यक्ति को जानता था। And wrote out his address, और मैंने जब उसका address उस पर लिखा, उस समय क्या कर रहा था, मैं गीत गा रहा था। I felt that, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था, that he too would be singing the same song, कि वो भी जैसे मैं गीत गा रहा हूँ तो वो भी खुश हो रहा होगा मेरा लेटर पाके उस समय, है ना, और वो भी यही गीत गा रहा होगा जो मैं गा रहा हूँ, है ना। किस तरह से, long lost brothers of Indian films discover each other by singing the same song in the first reel and in the final reel of the film, जैसे भारतीय फिल्मों में दिखाते हैं कि जैसे दो बिछड़े भाई हैं, तो शुरू शुरू में फिल्म जब शुरू होती है, जब वो गीत जो पहले गाते हैं वही गीत कब गाते हैं, जब वो बिछड़ के बाद में जब फिल्म खत्म होने वाली होती है, जब वो मिलते हैं तो वही वापस से वही गाना चलता है, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, इस तरह से, है ना। स्टीफन स्पेंडर, स्टीफन दैट वाज हिज नेम, और उसका क्या नाम था, स्टीफन स्पेंडर था उस व्यक्ति का, जो पोएट जो जेमिनी स्टूडियो में विजिट किया था, जिसने एक घंटे का भाषण दिया था जो किसी के समझ में नहीं आया था। And years later, और वर्षों बाद, when I was out for Gemini, out of Gemini studio, जब मेरी Gemini studio से नौकरी छूट गई, and I had much time, but not much money, लेकिन मेरे पास time तो खूब था, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं था पर्याप्त मात्रा में, anything at a reduced price attracted my attention, तो हर जो चीज जिसका मूल्य कम होता था वो मेरा ध्यान खींचती थी। On the footpath in front of the Madras Mound Road post office, तो Madras Mound Road post office के सामने footpath पर, there was a pile of brand new books, एक नई नकोर किताबों का ढेर लगा हुआ था, for 50 पैसा each, और उनकी कीमत क्या थी, मात्र 50 पैसा एक किताब की। Actually they were copies of the same book, actually वो क्या, एक ही किताब की कॉपियां थी, सेम किताब की कॉपीज थी वो, an elegant paperback of American origin, है ना, और वो एक शानदार पेपरबैक था, है ना, एक तो होता है जिल्द, है ना, और एक होता है पेपरबैक, जैसे ये है ना, ये तो सादा ये पेपरबैक है इस तरह का जो, है ना, कि ये वाला पन्ना, है ना, और एक जिल्द चढ़ी रहती है तो उसको हार्ड कवर बोलते हैं, है ना, तो वो पेपरबैक में थी वो किताबें, स्पेशली लो प्राइस स्टूडेंट एडिशन, और वो विशेष रूप से विद्यार्थियों के लिए कम
कीमत का स्पेशल एडिशन था वो जो बुक्स बिक रही थी वो 50 पैसे में, इन कनेक्शन विद द 50th एनिवर्सरी ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन, और वो किसके उपलक्ष्य में थी, रूसी क्रांति की 50वीं वर्षगांठ में, है ना, यानी रूसी क्रांति का 50वीं वर्षगांठ को लोग वो मना रहे थे, तो इसलिए स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने कम पैसे में ये चीज़ें, ये अखबार, ये किताब छापी थी। आई पेड 50 पैसे एंड पिक अप ए कॉपी, मैंने 50 पैसे पेमेंट किया और एक कॉपी ले ली बुक की। द गॉड दैट फेल, और उस बुक का क्या नाम था, गॉड दैट फेल, ईश्वर जो पराजित हो गया। सिक्स एमिनेंट मैन ऑफ लेटर्स इन सिक्स सेपरेट एसेज डिस्क्राइब देयर जर्नीज इनटू कम्युनिज्म एंड देयर डिसिल्यूजन्ड रिटर्न, है ना। अब उस बुक के अंदर 6 महाप्रतिष्ठित मैन ऑफ लेटर्स, जिनको दुनिया जानती हो, ऐसे लेखकों के 6 अलग अलग एसेज थे, निबंध थे, है ना, जिसमें क्या बताया गया था, देयर जर्नी इनटू कम्युनिज्म, के उन्होंने किस प्रकार से कम्युनिज्म में प्रवेश किया, साम्यवाद में किस तरह से प्रवेश किया, एंड देयर डिसइल्यूजन रिटर्न, और जब उन्हें उसकी असलियत पता चली साम्यवाद की, तो कैसे वो उससे बाहर निकले, उनकी इस यात्रा का, 6 लेखकों की उस यात्रा का उसमें वर्णन था। एंड्रे जाइड, ये 6 लेखक थे वो, एंड्रे जाइड, रिचर्ड राइट, इग्नेजियो सिलोन, आर्थर कॉसलर, लुइस फिशर, है ना, अभी देखो लुइस फिशर का आया था ना आपका इंडिगो, जो अब इससे पिछला चैप्टर था वो, एंड स्टीफन स्टैंडर, और ये स्टीफन स्पेंडर ये वाले जो लेखक थे वो जो जेमिनी स्टूडियो में आए थे वो पोइट स्टीफन स्पेंडर। सडनली द बुक अज्यूम्ड ट्रेमेंडस, जैसे ही मैंने स्टीफन स्पेंडर नाम पढ़ा तो मुझे वो बुक क्या लगने लग गई, और यार वाह, है ना, तो सडनली द बुक अज्यूम्ड ट्रेमेंडस सिग्निफिकेंस, तो वो बुक मेरे लिए बड़ी शानदार महत्व की हो गई इतनी जल्दी। स्टीफन स्पेंडर नाम था उसका, द पोइट हु हैड विजिटेड जेमिनी स्टूडियोज, इन ए मोमेंट, एक ही क्षण में, आई फेल्ट डार्क चैम्बर ऑफ माई माइंड लिटर, मुझे ऐसा लगा कि मेरे जो मन मस्तिष्क का जो अंधेरा कोना था उसमें बत्ती जल गई हो, बाई ए हेजी इल्यूमिनेशन, उसमें कुछ कुछ प्रकाश आ गया हो। द रिएक्शन टू स्टीफन स्पेंडर एट जेमिनी स्टूडियोज वॉज नो लॉन्गर अ मिस्ट्री, है ना, अब समझ में आ गया उसको कि जो स्टीफन स्पेंडर की विजिट हुई थी जेमिनी स्टूडियो में वो क्यों हुई थी, और अब वो एक मिस्ट्री नहीं रही, क्योंकि वो एक तरह से कम्युनिज्म के खिलाफ, है ना, कम्युनिज्म की असलियत बताने के लिए जेमिनी स्टूडियो में आए थे, है ना। द बॉस ऑफ द जेमिनी स्टूडियोज मे नॉट हैव मच टू डू विद स्पेंडर्स पोएट्री बट नॉट विद हिज गॉड दैट फेल्ड। द बॉस ऑफ द जेमिनी स्टूडियो, जो जेमिनी स्टूडियो के बॉस थे एस एस वासन, मे नॉट हैव मच टू डू विद हिज स्पेंडर्स पोएट्री, उनको स्पेंडर की पोएट्री से कोई मतलब भले ही नहीं था, बट नॉट विद हिज गॉड दैट फेल्ड, लेकिन क्योंकि वो भी क्या रखते थे, कम्युनिज्म में रुचि रखते थे, कम्युनिज्म के खिलाफ रुचि रखते थे एस एन वासन, क्योंकि पूरे दक्षिण भारत में इसी का माहौल था ना, कम्युनिज्म के खिलाफ का माहौल था, तो इसलिए उन्होंने, है ना, क्योंकि ये सब लोग क्या कर रहे थे, कम्युनिज्म की असलियत बता रहे थे ये 6 लोग, है ना, तो स्टीफन स्पेंडर इसी दृष्टिकोण से जर्मनी स्टूडियो में आए थे। ठीक है बच्चों, तो मैं आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा बच्चों तो मुझे कमेंट्स करके बताइए, है ना, गॉड ब्लेस यू ऑल।